नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आपके सिलेबस में एक टॉपिक है जिसका नाम है अलंकार। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और जो आएगा कितने नंबर का, 4 नंबर का आएगा और 4 में से 4 नंबर हमें प्राप्त करने हैं, ठीक है। और आपके सिलेबस की हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आपके जो सिलेबस में जो अलंकार दिए उनकी संख्या भी 4 ही है। कितनी है? 4 ही है प्यारे बच्चों, ध्यान रखना। कौन कौन से हैं एक बार देख लीजिएगा। नंबर 1 है शलेश अलंकार। कौन सा है? शलेश है। नंबर 2 है उत्प्रेक्षा अलंकार। नंबर 3 है मानवीकरण अलंकार। और नंबर 4 है प्यारे बच्चों जिसका नाम है अतिशयोक्ति। क्या नाम है? अतिशयोक्ति। ये आपको ध्यान में रखना है। तो 4 नंबर, 4 ही अलंकार, यानी कि एक अलंकार हमारा 1 नंबर का होगा, ठीक है। तो आ जाइए जल्दी से, सेशन से जुड़ जाइए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अड्डा 24/7 क्लास 9th और 10th पर। तो प्यारे बच्चों, अलंकार क्या होता है आप लोगों को पता होगा। एक बार मैं समझा देता हूं आप लोगों को कि अलंकार क्या होता है। आपसे पूछ लिया जाए अलंकार कितने शब्दों के योग से बना है, तो प्यारे बच्चों 2 शब्दों के योग से बना है। नंबर 1 है अलम, नंबर 2 है कार। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है बढ़ाने वाला या करने वाला, यानी शोभा बढ़ाने वाला। दूसरा हम लोग अर्थ लें तो क्या होता है? आभूषण होता है। आभूषण जानते हो ना, गहने जिसे हम लोग कहते हैं। जिस प्रकार से एक जो सुंदर स्त्री होती है उसके यदि जब वो गहने पहन लेती है, आभूषण पहन लेती है, तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। उसी प्रकार किसी भी कविता में, किसी भी काव्य में आप अलंकारों का प्रयोग कर दोगे तो उसकी शोभा में 4 चांद लग जाएंगे। कहने का तात्पर्य क्या है? हमें रसास्वादन अच्छे से प्राप्त होगा, यानी मनोरंजन हमारे साथ बहुत अच्छे से प्राप्त होगा उस काव्य को हम लोग पढ़ेंगे तब। तो प्यारे बच्चों क्या होता है अलंकार का, आप लोगों से पूछ लिया। संधि विच्छेद क्या होता है, कितने शब्दों के योग से बना है, तो 2 शब्दों के योग से बना है। नंबर 1 है अलम, नंबर 2 है कार। अलम का अर्थ क्या होता है? शोभा। और कार का अर्थ क्या होता है? करने वाला या बढ़ाने वाला, यानी शोभा बढ़ाने वाला तत्व। दूसरा हम लोग अर्थ लें अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण, ठीक है, समझ में आया। यानी कि जिस प्रकार से बार बार बता रहा हूं मैं, जिस प्रकार से एक स्त्री के बदन पर गहनों की सजावट कर दी जाए तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। उसी प्रकार किसी भी काव्य में हम अलंकारों का प्रयोग कर देंगे तो उसमें भी 4 चांद लग जाएंगे, अर्थात उसकी भी शोभा बढ़ जाएगी। अब आपके शोभा बढ़ाने वाली वस्तु हम लोग क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। अब आपकी जो सिलेबस है उसमें 4 अलंकार दिए हुए हैं। नंबर 1 है प्यारे बच्चों शलेश, नंबर 2 है उत्प्रेक्षा, नंबर 3 है मानवीकरण और नंबर 4 है अतिशयोक्ति। अब देखो मैं एक मिनट में इनको समझा देता हूं, फिर हम लोग पढ़ेंगे बाद में, ठीक है। हाँ देखो, शलेश, शलेश का अर्थ होता है चिपकना। कहने का तात्पर्य क्या है? कोई एक शब्द होगा और उसके बहुत सारे अर्थ होंगे, यानी कि अर्थ उसमें चिपके हुए होंगे। आपने सुना होगा पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, याद है ना। तो यहां पानी की बहुत सारे अर्थ निकल रहे हैं, यानी कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकले तो वहां पे क्या है? शलेश अलंकार होगा। उत्प्रेक्षा, आप लोगों को ट्रिक्स में समझा रहा हूं, जहां पर मनु जनु जानो इस प्रकार से जहां पर आपको शब्द दिखाई दे तो वहां कौन सा अलंकार होगा? वहां होगा आप लोगों का उत्प्रेक्षा अलंकार। अब ये क्या होता है? मानवीकरण। देखो मानवीकरण में एक शब्द आ रहा है मानव, पता है आ रहा है, यानी कि किसी भी वस्तु से मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाया जाए। कोई भी वस्तु है, जैसे हवा चल रही है, अरे चलता तो इंसान है, हवा थोड़ी चलती है। पेड़ बोल रहे हैं, अरे पेड़ थोड़ी बोलता, इंसान बोलते हैं। यानी कि जो कार्य इंसान करे और हम किसी प्राकृतिक साधनों के द्वारा वह कार्य करवाते हुए दिखाएं हम कविता में, तो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। अतिशयोक्ति क्या होता है? बड़ा चढ़ाकर बोलना, यानी कोई ये पेन है और इसके बारे में मैंने कहा
कि यह पेन लिखने का कार्य करता है, ठीक है, सीधी सी बात, लिखने का कार्य करता है, लेकिन मैं कह दूं यह पेन तलवार का भी कार्य करता है, लोगों के गर्दन काट दी है। अब कोई ज्यादा बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं ना, तो वो हो गया आपका अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब समझ में आ गया चार। और एक बात और ध्यान रखना, ये अलंकार आपके चार नंबर का होगा, पांच क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहां से क्वेश्चनों की संख्या पांच होगी, पांच में तुम्हें चार करना होगा, यानी कि एक अलंकार से एक क्वेश्चन होगा, लेकिन एक अलंकार ऐसा भी होगा जिससे दो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई सा भी हो सकता है। ठीक है, अब देख लीजिएगा आप लोग, देखो अलंकार शब्द दो शब्दों के योग से बना है, अलम धनकार। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में, अलंकार जो शब्द है कितने शब्दों के योग से बना है? प्यारे बच्चों, दो शब्दों से, अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है शोभा, तथा कार का अर्थ होता है करने वाला, या आप लोग दूसरा भी लिख सकते हो, बढ़ाने वाला। ठीक है, अर्थात जो शोभा में वृद्धि करता है, शोभा यानी सजावट। ठीक है, जो शोभा में क्या करता है, वृद्धि कर देता है, उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार शब्द का शाब्दिक अर्थ आभूषण भी है, अर्थात सौंदर्य में अभिवृद्धि करने वाला। आभूषण क्या होता है? गहना। मैंने बताया ना, जब कोई भी स्त्री गहने पहन लेती है तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, उसके सौंदर्य में अभिवृद्धि हो जाती है, उसका सौंदर्य बढ़ जाता है, उसकी सुंदरता बढ़ जाती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अलंकार के नाम से जानते हैं। जिस प्रकार आभूषण तन क्या होता है? शरीर। जिस प्रकार आभूषण तन के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य में अलंकार उसकी सुंदरता को द्विगुणित यानी दुगुना कर देते हैं। यानी किसी भी कविता में अलंकारों का प्रयोग हो जाएगा तो उसकी शोभा दुगुनी हो जाएगी, यानी कि कहने उसकी सुंदरता है ना, दुगुना हो जाएगा, चार गुना हो जाएगा, पांच गुना हो जाएगा, यानी कह सकते हैं चार चांद लग जाते हैं। और जिसमें चार चांद कहते हैं ना, अरे वाह आत्मरोहन, बड़े सुंदर लग रहे हो यार, क्या बात है, कहाँ जा रहे हो, कहते हो ना आप लोग, अरे वाह आज तो कुछ ज्यादा अच्छे लग रहे हो। तो इस प्रकार से कहते हैं ना, काव्य बहुत अच्छी है, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जिस कविता को पढ़ते समय हमें रसास्वादन आ जाए, टुकड़ा करें तो क्या होता है, रसधन आस्वादन, इन रस की प्राप्ति हो जाए हमें पढ़ते समय, कहते ना आज तो मजा आ गया, किसी भी कविता को पढ़ते समय मजा आ जाए, आनंद आ जाए, मनोरंजन हो जाए हमारा, उसे क्या कहा जाता है, उसे अलंकार। अर्थात हमें सोच लेना चाहिए, उसमें पर देख लेना चाहिए कि इसमें अलंकारों का प्रयोग किया गया है। अलम के अनेक अर्थ माने गए हैं, एक अर्थ नहीं है कि बढ़ाने वाला ही होना चाहिए, वो शोभा होना चाहिए, सजाना भी कह सकते हैं, रोकना भी कह सकते हैं, पर्याप्त होने का भाव भी कह सकते हैं, सुशोभित करने वाला भी। पूछा कैसे जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलम का अर्थ नहीं है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा भाव अलम का अर्थ नहीं है, तो आपसे एक नहीं पूछेगा वहां से। तो उत्पत्ति निम्न दो अर्थों से मानी जाती है, देखो एक परिभाषा क्या है, अलम करोति इति अलंकार है, अलम करोति इति अलंकार है, यानी कि जिसके द्वारा कोई वस्तु या विषय अलंकृत किया जाए, अलंकृत यानी आभूषित, यानी सुंदरता अलंकृत बढ़ाई जाए, सुंदरता बढ़ाई जाए, अर्थात जो आभूषित करते हैं वे अलंकार कहला, देखो ये आगे ना, जो आभूषित करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, अलंकार। यानी कि जिस कविता को पढ़ते समय कम मजा आए, एक में जिसको पढ़े उसमें दुगना मजा आ जाए, तो उसे अलंकार कहा जाता है। दूसरा है, अलम क्रियते अनेन इत्यलंकार, क्या है, अलम क्रियते अनेन इत्यलंकारम, ठीक है, यानी कि जो अलंकृत करता है वे अलंकार होते हैं, जो आभूषित करता है, जो सुंदरता को बढ़ाता है, जो सजावट को बढ़ाता है, उसे अलंकार कहा जाता है। अलंकार काव्य के बहिरंग तत्व माने जाते हैं, बहिरंग क्या होते हैं, बाहर से, यानी कि हमें दिखाई देते हैं, कि ऐसे नहीं कि शब्दों जैसे कि शब्दों के अंतर्गत अलंकार का प्रयोग कर देंगे, सलेश का अलंकार इस प्रकार से होता है, ऐसे नहीं, यानी पंक्ति लिखी जाएगी और उसके भारी तौर पर हम लोग बताएंगे कि इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो आपसे पूछा जाएगा अलंकार काव्य के तत्व है बहिरंग तत्व, अंतरंग तत्व या दोनों, तो कैसे तत्व होते हैं, बहिरंग तत्व माने जाते हैं, जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं,
उत्पन्न नहीं करते। ध्यान रखना, काव्य की केवल शोभा बढ़ाते हैं, काव्य की शोभा को उत्पन्न नहीं करते हैं। ठीक है, अलंकार संप्रदाय, ये देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे पूछ लिया जाए कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो ध्यान रखना उनका नाम है भामे। क्या नाम है? भामे, याद रखना है। इन्होंने अलंकार को काव्य की आत्मा कहा है, आपसे पूछा जा सकता है अलंकार को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान कौन थे, तो कौन थे? भामे। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो भामे, ये आपको ध्यान रखना है। अपने ग्रंथ में इनकी संख्या 38 मानी है, इन्होंने जो अपना ग्रंथ लिखा था भामे ने, उसमें कुल अलंकारों की संख्या कितनी मानी है? 38 मानी है। इस संप्रदाय को प्रतिष्ठित व पुष्ट करने का कार्य रुद्रट व जयदेव का, ध्यान रखना। अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक तो कौन है? भामे है, लेकिन इसको पुष्ट करने वाले, यानी कि कहने का तात्पर्य अलंकारों को और आगे बढ़ाने वाले, यानी इन्होंने तो प्रयोग कर दिया है, अब इन अलंकारों का प्रयोग आगे और किसने बढ़ाया, यानी आगे प्रसारित किसने किया, हम लोगों तक किसने पहुंचाया, उन दो का नाम है रुद्रट और जयदेव। पूछा जा सकता है, पूछा कैसे जाएगा कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामे माने जाते हैं, लेकिन उन्हें संप्रेषित या पुष्ट करने का कार्य, अलंकार संप्रदाय को पुष्ट या संप्रेषित करने का कार्य किन विद्वानों ने किया? रुद्रट और जयदेव ने किया। तथा काव्य अलंकारों की प्रतिष्ठा विवेचना का श्रेय कविराज विश्वनाथ पंडित जगन्नाथ को है, यानी कि देखो प्रतिष्ठा विवेचन का श्रेय दिया जाता है जगन्नाथ और विश्वनाथ जी को, और पुष्ट और प्रतिष्ठित करने वाले रुद्रट और जयदेव हैं। समझ में आ गया होगा, देखो एक बार यहां पे देखिए, यदि आपसे पूछा जाए अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक पूछे, यानी कि शुरुआत करने वाले कौन है अलंकारों का, तो कौन है? भामे। अब इस संप्रदाय को पुष्ट या हम कह सकते हैं संप्रेषित करने वाले विद्वान कौन कौन से हैं? दो हैं, एक तो रुद्रट है, दूसरा है जयदेव। अब ऐसे पूछ लिया जाए अलंकार संप्रदाय को प्रतिष्ठा दिलाने वाले विद्वान कौन है, तो उसका नाम क्या है? एक तो है जगन्नाथ, दूसरा है प्यारे बच्चों विश्वनाथ। ध्यान रखना है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उसने अलंकारों की संख्या कितनी मानी, तो ध्यान रखना है 38 मानी है, 38 मानी है, ठीक है। अग्नि पुराण के अनुसार अर्थालंकार सही रहिता विद्वेश सरस्वती, यानी कि अग्नि पुराण है भरत मुनि जी का जो ग्रंथ है, उसमें लिखा है अर्थालंकारों से रहित सरस्वती विधवा की तरह होती है, इसमें अर्थालंकारों को शब्दालंकारों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है। यानी देखो जो अलंकार होता है वह होता तो तीन प्रकार का है, लेकिन वास्तविक तौर पर हम लोग पढ़ेंगे केवल दो में ही, एक शब्दालंकार है, एक पढ़ेंगे प्यारे बच्चों अर्थालंकार, एक शब्दालंकार और दूसरा पढ़ेंगे अर्थालंकार, ये आपको ध्यान में रखना है, जिसमें शब्दों के द्वारा अलंकृत हो, जिसमें शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता हो वह शब्दालंकार कहलाता है, और जिसमें शब्द के अर्थ से चमत्कृत हो या आभूषित हो या शोभा बढ़े, अर्थों के द्वारा, शब्दों से नहीं, शब्दों के अर्थों के द्वारा काव्य में शोभा बढ़ जाए, उसे कहा जाता है अर्थालंकार। एक और होता है उभयालंकार, जिसमें शब्द और अर्थ दोनों को मिश्रित रूप को ही क्या कहा जाता है? उभयालंकार, क्योंकि उभय क्या होता है? दोनों, जैसे जलचर थलचर, एक उभयचर भी होता है जो जल में भी रहता है और पृथ्वी पर रहता है, वैसे ही उभयालंकार होता है उभयालंकार, उसमें इन दोनों के द्वारा चमत्कृत होता है, आभूषित होता है, वह कहलाता है उभयालंकार, ठीक है। तो अग्नि पुराण में शब्दालंकार अर्थालंकार में से किसको ज्यादा महत्व दिया गया है, तो ध्यान रखना अर्थालंकारों से सरस्वती विधवा के तरह होते, यानी कि इसमें अर्थालंकारों को ज्यादा महत्व दिया गया है, यानी कि शब्दालंकारों की अपेक्षा अधिक महत्व दिया है किसको? अर्थालंकारों को, यानी कि जिस काव्य में, जिस कविता में अर्थालंकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वह एक विधवा स्त्री के समान माना जाता है, यानी कि वह स्त्री जो आभूषणों का प्रयोग नहीं करती है
उसमें सुंदरता कम होती है, कम सुंदर दिखाई देती है। और यदि वह अलंकारों का प्रयोग कर लेती है, वह आभूषणों का प्रयोग कर लेती है, तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं। उसी प्रकार अग्नि पुराण में भी यह कहा गया है, यदि किसी काव्य में अर्थालंकारों का प्रयोग नहीं किया जाएगा तो वह सरस्वती विधवा के समान कहलाएगी, वह काव्य विधवा के समान कहलाएगा। और प्यारे बच्चों, पूछ लिया जाए अग्नि पुराण में किन अलंकारों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है, शब्दालंकार, अर्थालंकार, तो ध्यान रखना अर्थालंकारों को सर्वाधिक महत्व दिया गया है। तो यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देख लीजिए, दो प्रकार के होते हैं आपके अलंकार, वैसे तीन होते हैं, ध्यान रखना। आपको से पूछे अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तीन ही बताना है, दो नहीं बताना है। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तीन भेद माने जाते हैं। किन किन विद्वानों ने माना, मम्मट ने माना, विश्वनाथ, जगन्नाथ और सार्वभौमिक दृष्टि से। सार्वभौमिक क्या होता है, सभी ने, यानी कि सभी विद्वानों ने लगभग, यानी कि स्टार्ट में माना किसने था, मम्मट, विश्वनाथ और जगन्नाथ ने। और जगन्नाथ विश्वनाथ थे प्रतिष्ठा दिलाने वाले विद्वान अलंकार संप्रदाय के, बोलो, बताया था ना अभी। और पुष्ट और प्रतिष्ठित करने वाले कौन थे, रुद्रट और जयदेव थे। और प्रवर्तक कौन था अलंकार संप्रदाय के, भामे थे। भामे ने अलंकारों की संख्या कितनी मानी थी, 38 मानी थी। तो वही बात है, अब देखो तीन माने जाते हैं या तीन प्रकार होते हैं। नंबर एक है शब्दालंकार, मैं बार बार बता रहा हूं, शब्दों के द्वारा ऐसा काव्य जो शब्दों के द्वारा चमत्कृत हो, प्रतिष्ठित हो, उसे कहा जाता है, शब्दों के द्वारा उसकी सौंदर्यता दुगनी हो जाती है, उसे कहा जाता है शब्दालंकार। देखो नहीं पता चले तो इसका टुकड़ा करके देख लिया करो आप। देखो शब्द धन अलंकार, अलंकार क्या होता है, शोभा बढ़ाने वाला शब्द है, शब्दों के द्वारा, शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ जाए, शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ जाए, नाम से पता चल रहा है। ऐसे ही अर्थ अलंकार, अर्थधन अलंकार, देखो एक एक शब्द को ध्यान रखना है। अलंकार शोभा बढ़ाने वाला, अर्थ यानी अर्थों के द्वारा, यानी शब्दों के अर्थों के द्वारा शोभा बढ़ जाए, सुंदरता दुगनी हो जाए, उसे कहा जाता है अर्थालंकार। ठीक है, तो शब्द अलंकार क्या होता है, शब्दों द्वारा चमत्कार होता है, पर्यायवाची शब्दों के प्रयोग से अलंकार समाप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि किसी भी शब्द की जगह, जैसे आंख है, आंख का पर्यायवाची क्या होता है, नयन, लोचन, चक्षु। अब जहां जिस काव्य में, जिस पंक्ति में नयन शब्द का प्रयोग किया गया है, यदि हम उसमें आंख का प्रयोग कर देंगे तो उसमें अलंकार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, यानी उसकी शोभा घट जाएगी, यानी कि शोभा समाप्त हो जाएगी। यानी किसी भी कविता में हम किसी भी शब्द की जगह उनके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, किसमें, शब्द अलंकारों में। अर्थात जब चमत्कार प्रदानता शब्द में होता है, अर्थात जहां शब्दों के प्रयोग से ही सौंदर्य में वृद्धि होती है, काव्य में प्रयुक्त शब्द को बदलकर उसका पर्याय रख देने से अर्थ न बदलते हुए भी उसका चमत्कार नष्ट हो जाता है, वहां शब्दालंकार होता है। अनुप्रास, यमक, सलेस, वक्रोक्ति आदि शब्दालंकार, कौन कौन से, अनुप्रास है, यमक है, सलेस है, वक्रोक्ति आदि है। लेकिन आपके सिलेबस में देखो मैंने अलग से हाईलाइट कर दिया है, एक ही अलंकार है शब्दालंकार, वो कौन सा है, सलेस। और सलेस का अर्थ क्या होता है, चिपकना होता है। जिस काव्य में सलेस अलंकार होगा तो हम कैसे पहचानेंगे, एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हमें दिखाई देंगे उसी पंक्ति के अंतर्गत। ठीक है, आगे तो समझ में आ गया शब्द अलंकार, शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न हो, शब्दों के द्वारा सौंदर्य बढ़ाई जाए, शब्दों के द्वारा शोभा बढ़ जाए, शब्दों के द्वारा आभूषित हो जाए, वह कहलाता है शब्द अलंकार। यदि हम पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर देंगे, अर्थ भी नहीं बदलेगा लेकिन फिर भी उसका चमत्कार क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखना, आपसे पूछा जा सकता है अलंकार तीन प्रकार के होते हैं, किसमें पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर दे तो चमत्कार समाप्त हो जाता है, तो कौन सा है, वो शब्द अलंकार है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना। नंबर दो है अर्थालंकार, यानी कि अर्थ द्वारा चमत्कार होता है, यानी कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। काव्य में जहां अलंकार का सौंदर्य अर्थ में निहित हो वहां अर्थालंकार होता है। इन अलंकारों में काव्य में प्रयुक्त किसी शब्द के स्थान पर उसका पर्याय या समानार्थी शब्द रखने पर भी चमत्कार बना रहता है। अभी तो शब्द अलंकार में क्या था, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते थे, इस पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो उसमें चमत्कार समाप्त हो जाएगा। लेकिन अर्थालंकार में आप किसी भी शब्द की जगह उसका पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो भी उसमें चमत्कार बना रहेगा, उसे कहा जाता है अर्थालंकार। ठीक है,
उपमा रूपक उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति मानवीकरण अन्योक्ति संधे भ्रांति मानवीय भावना विरोध आभास दृष्टांत आदि उभ्यालंकार होते आदि अर्थालंकार होते हैं। अब आपके सिलेबस में तीन ही है, एक तो उत्प्रेक्षा है, एक अतिशयोक्ति है, एक मानवीकरण अलंकार है। इसमें मैंने बताया है आपको कुछ नहीं करना, आपको दो चार शब्द ध्यान रखना है, मनु जनु मनु मानो मनु जनु मनु मानो जनु जानो, ऐसे शब्द आपको जहां पर भी दिखाई दें उत्प्रेक्षा मत देखना उसका अर्थ। तुम्हारी जितनी कविताएं हैं उनमें से पूछा जाएगा, बाहर से पूछ लेगा कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, बस जो सेशन ले रहा हूं अलंकार संबंधित वो पढ़ते रहना है और हमें मजबूती तैयारी मजबूती से तैयारी करना है, ईमानदारी से पढ़ना है और हमें 100% नंबर प्राप्त करना है, क्योंकि आपका जो एग्जाम होगा वह पार्ट दो में होगा, पार्ट ए पार्ट बी, और पार्ट ए होगा प्यारे बच्चों वो एमसीक्यू का होगा जिसमें आपके 40 नंबर का होगा, और पार्ट बी सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे जो आपका 40 नंबर का होगा। बस हम साथ साथ चल ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नंबर तीन है उभ्यालंकार, यानी शब्द प्लस अर्थ, यानी दोनों के द्वारा चमत्कार होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है उभ्यालंकार। तो हमें कितने अलंकार पढ़ना है, एक सलेश अलंकार पढ़ना है, एक उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ना, एक अतिशयोक्ति अलंकार पढ़ना, एक मानवीकरण। देखो याद ट्रिक से याद रखना है, जिसके बारे जिस वस्तु के बारे में बड़ा चढ़ाकर बताया जाए, अरे राम ने तो पहाड़ को ही तोड़ दिया 2 मिनट में, अरे रोहन ने 2 दिन में ही पढ़कर के मेरिट में आ गया, 2 दिन पढ़कर ही मेरिट में आ गया, तो कुछ अतिशयोक्ति नहीं हो रही है। राम ने चलते चलते पृथ्वी पर ठोकर मारी तो पानी निकल आया, अतिशयोक्ति नहीं हो रही है, कुछ ज्यादा ही बड़ा चढ़ाकर नहीं कह रहे हम लोग, सीधी सी बात है। मानवीकरण क्या होता है, किसी भी प्राकृतिक वस्तु के द्वारा मानव जैसा कार्य करते हुए दिखाया जाता है तो वहां पर मानवीकरण अलंकार, जैसे श्रावण तेज चाय श्रावण यानी श्रावण माह है होता है ना, श्रावण माह है, तेज साइकिल चलाता हुआ आ रहा था, तो साइकिल कौन चलाता है, इंसान चलाता है भाई, मानव चलाता है, श्रावण थोड़ी चलाता है। हवा चलते हुए बातें कर रही थी, अरे बातें तो इंसान करता है, चलता तो इंसान है, हवा थोड़ी चलती है, इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ओके तो प्यारे बच्चों ये था आज हमने पढ़ा क्या, अलंकार के बारे में कि अलंकार क्या है और क्या नहीं है, थोड़ा सा हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा। अब हम लोग एक एक अलग अलग से पढ़ेंगे, तो आपको ये कोड दिख रहा है, ये कोड कहाँ काम आएगा, Y323 लिखा मैक्सिमम डिस्काउंट, ये कहाँ दिखेगा, तो निश्चय बैच है 2.0 कल स्टार्ट हो गया था, तो आप लोग Y323 कोड यूज करके प्यारे बच्चों हमारे निश्चय बैच में जुड़ जाइए, अब की बार प्रत्येक हिंदी में नहीं प्रत्येक सब्जेक्ट में हमें 100% मार्क्स प्राप्त करना है। यदि आपको अंग्रेजी नहीं बोलनी आती है तो भी आप लोग यही कोड यूज करें और आ जाइए हमारे पावरफुल स्पोकन इंग्लिश में, फिर फर्राटे से आप लोग इंग्लिश बोलेंगे जैसे हिंदी आप लोग यूज करते हैं इसी प्रकार से, तो आ जाइए Y323 कोड यूज करके। तो प्यारे बच्चों अब आपका एक होमवर्क है, अलंकार का शाब्दिक अर्थ व प्रकार बताना है, कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आपको इसकी PDF चाहिए ना, यस सर चाहिए, आपको PYNQ भी चाहिए होंगे, यस सैंपल पेपर यस, तो प्यारे बच्चों Adda247 आप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से यदि नहीं किया है तो, ठीक है। आप कहाँ पढ़ रहे हो, Adda247 क्लास 9th और 10th यूट्यूब चैनल पढ़ रहे हो, तो प्यारे बच्चों अच्छा लगा सेशन तो ठीक है, क्या है लाइक शेयर कमेंट, ठीक है देख लेना आप लोग, अपने आपके ऊपर निर्भर करता है ये सब, ठीक है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करता हूँ अच्छा समझ में आ गया होगा, ईमानदारी से पढ़ाई करना और अब की बार कोई मार्क्स कटना नहीं चाहिए, हमें 100 में 100 नंबर प्राप्त करना है, तो इसके लिए हमें ईमानदारी से कर्म करना होगा। अभी के लिए ओके टाटा बाय बाय। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू चल रही हो। प्यारे बच्चों आज हम सलेश अलंकार के बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि ट्रिक्स के माध्यम से कि कोई भी पद दे दे हमें और उसमें डायरेक्ट पूछे कि इसमें कौन सा अलंकार है तो हम बता सकें इसमें सलेश अलंकार है। और वैसे भी आप लोगों के पास जो आपका सिलेबस है उसमें 4 ही अलंकार हैं, सलेश उत्प्रेक्षा मानवीकरण और अतिशयोक्ति, चारों बिल्कुल डिफरेंट है, चारों बिल्कुल ही अलग अलग हैं, यानी आप लोगों को जैसे ऑप्शन में 4 ऑप्शन होंगे ना भविकल MCQ क्वेश्चंस में, तो आप डायरेक्ट देख कर बता सकते हो कि इसमें हाँ यही अलंकार होगा और कोई अलंकार नहीं होगा, क्योंकि चारों की ट्रिक्स अलग अलग है,
ठीक है। और मैं बता दूंगा फिर अंत में, जैसे ही चारों के चारों हमारे अलंकार हो जाएंगे तो एक अलग से मैं सेशन ले लूंगा कि चारों में कोई भी ऑप्शन आ जाए तो किस प्रकार से हम लोग सेलेक्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों जल्दी से सेशन से जुड़ जाइए आप लोग, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जो हमारे एग्जाम में एक क्वेश्चन तो 100% है, यानी कि 5 आएंगे इस टॉपिक से, अलंकार टॉपिक से, तो सिलेबस से 1 होगा। अब एक अलंकार ऐसा होगा जिससे 2 क्वेश्चन आएंगे, तो यह भी हो सकता है। तो जल्दी से आ जाइए सेशन जुड़ जाइए, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th में। तो प्यारे बच्चों सिलेबस अलंकार, ठीक, अलंकार के बारे में हम लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया था कि अलंकार कितने शब्दों से योग से बना है, उन शब्दों का अर्थ क्या क्या होता है, कितने प्रकार के अलंकार होते हैं। तो उसी के अंतर्गत जो मैंने बताया कि अलंकार 3 प्रकार के होते हैं, उसमें नंबर 1 था हमारा शब्दालंकार। कौन सा था? शब्दालंकार, शब्दालंकार। अब देखो यहां नाम से ही हमें पता चल रहा है प्यारे बच्चों कि ये अलंकार होगा क्या। देखो यहां यदि हम इस शब्द के टुकड़े करते हैं तो क्या होता है, एक शब्द होता है, दूसरा अलंकार होता है, ठीक है। और शब्दालंकार क्या होता है, अलंकार का अर्थ होता है आभूषित करना, सुंदरता बढ़ाना जिसे हम कहते हैं, यानी कि शब्द के द्वारा आभूषित किया जाए, यानी किसी भी पद में शब्दों के द्वारा, किसके द्वारा, शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ाई जाए, 4 चांद लग जाए सुंदरता में, आभूषित हो जाए, आभूषण, जैसे कि एक स्त्री है, मान लो गोरे बदन की स्त्री है, सुंदर चेहरा है उसका, अच्छा अच्छा शरीर, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि सुंदर शरीर है, अब उसमें हम लोग गहनों का भी प्रवेश करा दें, गहने भी हम लोग लगा दें, एक सुंदर स्त्री कानों में, नाकों में, जो भी, जैसे भी, जो भी आप लोग पता होगा बहुत अच्छे से, तो उसकी सुंदरता में 4 चांद लग जाते हैं। तो वैसे ही यदि हम लोग किसी भी कविता में, किसी भी काव्य खंड के अंदर, किसी भी पद में, यदि हम शब्दों के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न करना चाहें, उसकी सुंदरता बढ़ाना चाहें, उसको आभूषित करना चाहें, तो शब्दों के माध्यम से उसमें उसको हम आभूषित कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात ध्यान रखना है आप लोगों को, इसमें हम लोग किसी भी शब्द के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है हमें, यानी कि जो शब्द जहां आ रहा है उसी शब्द के द्वारा उस शब्द में चमत्कार उत्पन्न होगा, आभूषित होगा वह, ठीक है। यदि हम उस शब्द के स्थान पर दूसरा, उसके स्थान पर कोई पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो फिर उस पद में जो चमत्कार है वह नष्ट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहां हम पढ़ेंगे क्या, सिलेबस। अब प्यारे बच्चों जो आपसे पूछ लिया जाए कि सिलेबस अलंकार में या सिलेबस शब्द में या सिलेबस शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि आपसे पूछ लिया जाए सिलेबस शब्द का अर्थ, तो ध्यान रखना अर्थ क्या होता है, चिपकना। चिपकना कैसे, यानी कोई भी शब्द होगा ना, कोई भी शब्द होगा ना, उसके दो या दो से अधिक क्या होंगे, अर्थ निकलेंगे, तो वहां हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा, सिलेबस अलंकार हो जाएगा, ठीक है। अब सिलेबस अलंकार आपसे पूछे कितने प्रकार के होते हैं, कितने भेद होते हैं, तो ध्यान रखना 2 भेद होते हैं इसके, ठीक है। कौन कौन से, नंबर 1 होता है प्यारे बच्चों अभंग सिलेबस, नंबर 2 होता है शभंग सिलेबस, नंबर 1 होता है अभंग सिलेबस, नंबर 2 होता है शभंग सिलेबस, ठीक है। अब यहां हम समझें कि क्या अभंग होता है, क्या शभंग होता है, तो शब्द का टुकड़ा करना आना चाहिए। यदि मैं यहां इस शब्द का टुकड़ा करता हूं तो ए को निकाल देता हूं, ए एक उपसर्ग है जिसका अर्थ क्या होता है, नहीं, भंग यानी टुकड़ा करना, यानी कि कोई भी शब्द होगा ना एक्स वाई जेड, तो वह बिना टुकड़े के, बिना टुकड़ा किए उसके बहुत सारे अर्थ निकलेंगे, बहुत सारे अर्थ उससे चिपके हुए होंगे। और यहां हम बात करें सह यानी क्या होता है, सहित या साथ, सहित या साथ, और भंग यानी टुकड़ा, यानी कि टुकड़े करने पर भी उसके बहुत सारे अर्थ निकले, वह होता है सब भंग सिलेबस। कैसे होता है ये सब बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे इतना नहीं पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट एक पद देगा, पद में डायरेक्ट पूछेगा कौन सा अलंकार है, सिलेबस है, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, अतिशयोक्ति,
ये तो बहुत बड़ी बात है, बाद की बात है। यदि यहाँ से आपसे टुकड़ा करके यह ऐसे पूछता है अभंग है सभंग है, तो वो भी हम लोग समझेंगे आसानी से। ठीक है, तो यहां तक समझ में आ गया कि श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। श्लेष अलंकार एक शब्दालंकार है जिसमें शब्दों के माध्यम से पदों में चमत्कृत उत्पन्न किया जाता है या आभूषित किया जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात करें, श्लेष अलंकार दो प्रकार का होता है, अभंग श्लेष और सभंग श्लेष। ठीक है, अब देखते हैं हम आगे। देखो शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिपकना या चिपका हुआ या मिला हुआ। ठीक है, वहां समझाया था कि आपको समझ में आ जाए, यहाँ सेम जो का त्यों लिखा है मैंने। जहां एक शब्द के प्रसंग के अनुसार अनेक अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी कि एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हों, अनेक अर्थ हों, दो या दो से अधिक अर्थ निकले, कितने भी अर्थ निकल सकते। यदि किसी उक्ति के दो अर्थ निकलते हैं तो वहां श्लेष अलंकार होता है। यानी किसी भी कथन के किसी भी शब्द के दो भी अर्थ, मैंने कहा ना दो या दो से अधिक, अनेक हो गए दो से अधिक हो जाएंगे तो ठीक है, वह दो भी हो तो भी वहां श्लेष अलंकार होता है। आपसे पूछ लिया जाए किसी शब्द के दो अर्थ हैं निकल रहे हैं, क्या वहां श्लेष अलंकार हो सकता है? हो सकता है प्यारे बच्चों। ठीक है, शब्द दो प्रकार के होते हैं, एकार्थवाची और अनेकार्थवाची। यानी जिसका एक अर्थ निकले, एक धन अर्थ, देखो टुकड़ा करके देख लिया करो, एकार्थ एक धन अर्थ तो क्या हो जाएगा एकार्थ। यानी जिसका शब्द दो प्रकार के होते, एक का एक शब्द ऐसा जिसका एक ही अर्थ निकले, एक शब्द ऐसा जिसके अनेक अर्थ निकले। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे घड़ा पुस्तक आदि, यानी कि घड़ा का घड़ा ही होता है और कोई अर्थ नहीं होता। आप तुम कहो मटका मटकी, वो तो बात अलग हो जाएगी। पुस्तक आदि ऐसे शब्दों के दो अर्थ नहीं होते, इसलिए इन्हें एकार्थवाची या एस लिस्ट कहा जाता है। ध्यान रखना एकार्थवाची का दूसरा नाम क्या हो गया, एस लिस्ट। दूसरी श्रेणी में वे शब्द आते हैं जिनके अनेक अर्थ होते हैं, जैसे सूर के अर्थ होते हैं सूर्य अंधा, इन दो अर्थ होते हैं सूर के। तो अब यहां इस शब्द में कौन सा अलंकार हो जाएगा, श्लेष अलंकार हो जाएगा। ऐसे ध्यान रखना है। बोलो समझ में आया ना? आएगा प्यारे बच्चों, समझ में आएगा। आप लोगों को अलंकार है ना बहुत ही कठिन लगते हैं और बार बार आप लोग ऐसे सलेस वो सॉरी अलंकार अलंकार अलंकार, मैंने कहा था प्यारे बच्चों समय आएगा ना तब मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा, ट्रिक्स के माध्यम से समझाऊंगा। और चार अलंकार तो ऐसे हैं बिल्कुल ही अलग अलग है, कोई एक दूसरे का कोई संपर्क नहीं है किसी से भी, तो ऑटोमेटिक। हाँ जैसे ऐसे होता उपमा रुत प्रेक्षा हो जाता, रूपक आ जाता, उसी में व्यतिरेक आ जाता, तो फिर ये है ना एक दूसरे से घिसपिस हो जाता। तुम्हारे ऐसे बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों, तुम्हारे चार अलंकार बिल्कुल ही अलग अलग हैं। ठीक है, वैसे ही पयोदर के अर्थ होते हैं मेघ और स्तन होता है, दो अर्थ हो गए। हरि के विष्णु सूर्य सिंह बंदर मेंढक मेंढक होता है, ऐसे शब्दों को अनेकार्थवाची या श्लिष्ट कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या है हमारा, श्लेष अलंकार है। इन सभी शब्दों में यदि ये शब्द यदि किसी भी पद में इनका प्रयोग किया जाता है तो ठीक है। हाँ ये आपको ध्यान में रखना है। आगे समझ में, नेक्स्ट। सर्वप्रथम भामे ने श्लेष अलंकार का विवेचन किया, अलंकार का नाम श्लिष्ट रखा। यानी कि पहले जो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, आपको याद होना चाहिए जो मैंने कल जो सेशन लिया था उसमें बताया हुआ था, अलंकार संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, प्रवर्तक अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, भामे है। और भामे ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई थी, 38 बताई थी। अब भामे ने श्लेष का नाम क्या रखा था, श्लिष्ट रखा था। एक अर्थ निकले एश्लिष्ट, दो अर्थ निकले श्लिष्ट, अभी बताया था मैंने एकार्थवाची अनेकार्थवाची। दंडी ने श्लिष्ट अलंकार का यथार्थ लक्षण करते हुए इसके दो भेद, एक भिन्न पद दूसरा, यानी भिन्न पद को क्या कहा, सभंग, एक अभिनय पद जिसे क्या कहा हम लोगों ने, अभंग श्लेष कहा है। तो ऐसे ही हमने उद्भट ने भी श्लेष के दो भेद माने हैं, रुद्रट ने भी श्लिष्ट के स्थान पर श्लेष नाम दिया, इस अलंकार का विवेचन किया है। आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है आप लोगों को कि इतना पूछा नहीं जाएगा प्यारे बच्चों आपसे बिल्कुल भी कि दंडी ने कितने सब श्लेष अलंकार के कितने भेद माने, रुद्रट ने कितने माने, उद्भट ने कितने माने। मैंने इसलिए दे दिया बाई चांस, पेपर बनाने वाले ने थोड़ा सा दिमाग घुमा दिया अपना और उसने सोचा कि सभी बच्चे अलंकार, चार अलंकार है चारों बिल्कुल अलग अलग है, क्यों ना एक क्वेश्चन ऐसा दिया जाए कि हाँ वास्तव में बच्चों को पढ़ाई करना चाहिए ईमानदारी से। तो आपसे पूछा जा सकता है कि उद्भट ने श्लेष अलंकार के कितने भेद माने हैं, माना सभी ने। देखो आगे देखो,
विशेष शलेष शब्द का प्रयोग मम्मट ने शब्द शलेष के लिए ही किया है। अब देखो सार्वभौमिक दृष्टि से, यानी कि सार्वभौमिक यानी क्या होता है, सभी ने, कोई भी हो, कोई विद्वान हो, तो सभी ने शलेष अलंकार के दो भेद माने हैं, शब्द शलेष और अर्थ शलेष, ये आपको ध्यान में रखना है। शब्द शलेष और अर्थ शलेष में अंतर क्या होता है वो देखिए, एक ही बात है, यानी कि किसी शब्द से चिपके हुए अर्थ निकले और वहां पे अर्थ चिपके हुए हो, सेम है। देखो जहां शब्द के एक से अधिक अर्थ चिपके रहते हैं या निकलते हैं वहां शब्द शलेष, और शब्द शलेष शब्दाश्रित होता है जबकि अर्थ शलेष अर्थाश्रित होता है। शब्द शलेष शब्द के पर्याय को उसके स्थान पर रख देने से शलेष नहीं रहता, यानी मैंने बार बार कहा है शब्द शलेष वही हो गया शब्दालंकार जिसे हम लोग कहते हैं, यानी पर्यायवाची रख देंगे तो उसका अर्थ क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, जबकि अर्थ शलेष शब्द के स्थान पर उसका पर्याय रख देने पर भी शलेष बना रहता है, वही बात है अर्थालंकार। नाम से ही पता चला अर्थ से चिपका हुआ, शब्द से चिपके हुए अर्थ, यानी एक शब्द के बहुत सारे अर्थ हो, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहां क्या हो गया, किसी भी शब्द के स्थान पर कोई भी शब्द रख दोगे ना तो भी उसका वही अर्थ निकलेगा जो उस पद में पहले से ही निकला, पहले जो चमत्कार हो रहा था वह भी अभी भी वही चमत्कार उत्पन्न होगा। शब्द शलेष का वर्णन शब्दालंकार में, अर्थ शलेष का वर्णन अर्थालंकार में होता है। ये देखो अब तुम कहोगे कि सर हमें डायरेक्ट ही पढ़ा दो, बिल्कुल 10 मिनट में पढ़ा दो शब्द शलेष अलंकार, तो सब 10 मिनट में भी हो जाएगा, लेकिन बाई चांस ये नॉलेज आपको, मान लो अब कक्षा 10th में काम नहीं आई, बाई चांस एक भी क्वेश्चन आ गया प्यारे बच्चों, तो ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा यानी कि बिल्कुल हम लोग पढ़ते हैं नॉर्मल वे में, शब्द शलेष अर्थ शलेष सार्वभौमिक दृष्टि, शलेष शब्द के कितने प्रकार बताए, शलेष अलंकार के दो, अर्थ शलेष शब्द शलेष जिसमें शब्द की सहायता से अर्थ निकले बहुत सारे, अर्थ शलेष और जिनमें अर्थ निकले बहुत सारे, अर्थ शलेष शब्द के स्थान पर कोई शब्द रख देंगे तो वहां शलेष अलंकार नहीं होगा, लेकिन अर्थ अलंकार में शब्द के स्थान में कोई पर्यायवाची शब्द रख देंगे तो वहां फिर भी अर्थ शलेष होगा। अब देखो शब्द शलेष क्या होता है, ये इसके दो उपभेद होते हैं, अभंग शब्द शलेष और एक सभंग शब्द शलेष, ये ध्यान आपको रखना है या डायरेक्ट लिख लेना कि शलेष अलंकार दो प्रकार का होता है, अभंग और सभंग, ये आपको ध्यान में रखना है। अब देखो यहां पर जहां शब्द को बिना भंग बिना तोड़े, देखो मैंने अभी टुकड़ा करके बताया था, ए धन भंग, भंग यानी टुकड़ा या तोड़ना, ए यानी नहीं या बिना, बिना टुकड़े किए हुए बिना तोड़े ही शब्द के बहुत सारे अर्थ निकल जाते हैं तो वो होता है, ठीक है। जैसे देखो यहां पर पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, अब यहां देखो पानी शब्द के बहुत सारे, देखो यहां पे देखो ये येलो कलर्स में है ना पूरा, और यहाँ पे एक शब्द है व्हाइट कलर्स में, है ना, व्हाइट रंग में है ना, सफेद रंग में है, तो इसके बहुत सारे अर्थ है। यहाँ पे देखो यहाँ अभंग शलेष का उदाहरण है क्योंकि इसमें पानी शब्द के को तोड़े बगैर ही उसके अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे मोती मानस चून तीन पदार्थों के प्रसंग में इसके तीन अलग अलग अर्थ निकलते हैं, मोती से चमक का, मानस से मनुष्य से प्रतिष्ठा का, और चून से जल का, यानी कि आटा जो होता है ना आटा, उसमें बिना जल किसे हम लोग किसी प्रकार से कोई प्रयोग नहीं कर सकते, हम बिना जल का प्रयोग करना ही होगा। मनुष्य है, मनुष्य हमेशा प्रतिष्ठा के लिए जीता, अपने स्टैंडर्ड के लिए जीता है, और मोती है वह हमेशा अपनी चमक के लिए चमकता रहता है। अब आप लोगों से डायरेक्ट ये नहीं पूछेगा, जहां तक मेरा विचार है ऐसे नहीं पूछेगा कि अभंग शलेष है या सभंग शलेष है, आपसे डायरेक्ट पूछेगा पानी गिरे ना उबरे मोती मानस चून कौन सा अलंकार है, तो डायरेक्ट बताना शलेष अलंकार, बस ये ध्यान रखना है, कोई भी उदाहरण हो एक्स वाई जेड ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ ये पढ़ लेना, ये मतलब ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है कि बिना मोती की बिना चमक नहीं होगी तो कोई उसका कोई भी मूल्य नहीं होगा, बिना आटे के आटे में आटा जो होता है उसमें पानी का प्रयोग नहीं करें उसका कोई मूल्य नहीं होगा, ये सब इसमें लिखा हुआ है। देखो यहाँ पे चरण दरत चिंता करत नींद ने भावत शोर, सुब्रन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। अब यहां देखो सुब्रन के बहुत सारे अर्थ हैं, सुब्रन को बिना तोड़े करने से अच्छा वर्ण होता है, अच्छा रंग भी होता है, सोना भी होता है सुब्रन का अर्थ, तो यहां भी देखो एक शब्द के कितने सारे तीन अर्थ निकल रहे हैं, तीन से भी अधिक निकल सकते हैं यदि आपको पर्यायवाची शब्दों को अर्थ बारे में जानना हो तो अच्छे जानते हो तो, ठीक है। अब यहां देखो विमाता बन गई आंधी बहावे, हुआ चंचल ने फिर भी श्याम घन वह, यानी कि आप इन शब्दों का इन पदों का बिना अर्थ निकाले भी
आप लोग अच्छे से आप लोग डायरेक्ट बता सकते हो। देखो अर्थों में यदि घुस जाओगे, यदि किसी पद का अर्थ निकालने की कोशिश करोगे, तो फिर अलंकार आपके लिए ना बहुत बड़ा एक पहाड़ जैसा हो जाएगा। एक एक अलंकार को समझो, फिर मैं 10 मिनट, मात्र 10 मिनट में तुम्हें चारों के चारों अलंकार, शलेश, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण और आपका अतिशयोक्ति, मन मात्र मैं एक बार पढ़ा दूंगा ना इनको, तो आप लोग है ना मात्र 10 मिनट के हैं, 10 मिनट में मैं आपको बिल्कुल ही इजी वे से समझा दूंगा, समझ में आएगा। लेकिन कब, पहले आप ये समझोगे तब, ठीक है। अब यहाँ श्यामगण के बहुत सारे हैं, क्या होता है श्यामगण का अर्थ, एक कृष्ण भी होता है और दूसरा क्या होता है, काले बादल भी होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ देखो, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, दुर्दिन में आंसू बनकर वह आज बरसने आई। यहाँ इसके बहुत सारे अर्थ हैं घनीभूत के भी, और यहाँ दुर्दिन के बहुत सारे अर्थ। घनीभूत को दुर्दिन के दोनों पदों में शलेश है। घनीभूत क्या होता है, अत्यधिक या इकट्ठी हुई, और घन का अर्थ है बादल के रूप में बनी हुई, और दुर्दिन होता है बुरा दिन, और बादलों से अंधकार युक्त तो दिन को भी दुर्दिन कहा जाता है। यानी दुर्दिन क्या होता है, देखो दुर्दन दिन, दिन यानी क्या, दुर यानी क्या होता है, बुरा, यानी बुरा दिन, और बुरा दिन क्या होता है, बिल्कुल बादलों से बिल्कुल अंधकार छाया हो, बिल्कुल जैसे आज का मौसम है, आज कैसा लग रहा है, यानी सुबह से ही बारिश हो रही थी, रात से बारिश, तो रात के 12 बजे से बारिश हो रही थी, अब क्या हो रहा है, बिल्कुल धूप नहीं निकल रही, बिल्कुल अंधेरा सा छाया हुआ है, तो अंधकार युक्त दिन हो रहा है ना, उसे दुर्दिन यानी बुरा दिन कहा जाता है। और ऐसे ही घन यानी क्या होता है, बादल भी होता है, और ऐसे ही घनीभूत को क्या कहा जाता है, अत्यधिक या इकट्ठी हुई कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो एक तो क्या हो, घनीभूत का अर्थ अत्यधिक इकट्ठी हुई, दूसरा क्या हो गया, घन या बादल के रूप में बनी हुई, दो अर्थ यहां निकलने हैं। दुर्दिन के भी दो अर्थ निकले हैं, बुरा दिन और दूसरा बादलों से अंधकार युक्त दिन, ये आपको ध्यान में रखना है। यहां देखो, मेरी बहु बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्यामो हरित दूती हुई। यहाँ देखो झाई के देखो बहुत सारे अर्थ हैं, एक है हरित दूती, ये रहा यहाँ पे। अब यहाँ देखो झाई का क्या अर्थ है, एक श्यामो भी है कृष्ण जी वाला, झाई यानी परछाई, झाई एक आंखों के नीचे ऐसे पड़ जाती है ना, आपको देखा होगा, झलक भी होता है, ध्यान भी होता है, ध्यान से बना हुआ शब्द है। जिसे श्यामो क्या होता है, कृष्ण जी भी होता है, श्यामला रंग भी होता है, श्याम रंग का व्यंजक पाप या कलमश भी होता है, हरित दूती यानी हरे भरे प्रसन्न, हरे भरे या खुशी से होते हैं, जैसे चारों तरफ हरियाली हरियाली हम लोग देखते हैं तो खुशी का माहौल जग जाता है, वैसे हरा रंग हित दूती अर्थात कांतिहीन या क्षीण, जिसमें कोई चमक नहीं होती है। तो प्यारे बच्चों, जितने भी उदाहरण हैं वहां आपको एक एक शब्द का अर्थ देखना है। ज्यादा यदि मैं बात करूँ ना चारों अलंकारों में से, एक शलेश अलंकार रहता है जिसको तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा कि इस शब्द का यह अर्थ है, इस शब्द का यह अर्थ है, और वो कब याद होंगे, जब तुम्हें पर्यायवाची शब्द याद होंगे, बस आपको ये शब्द याद होने चाहिए। यदि ये शब्द याद है ना प्यारे बच्चों, तो आपको शलेश अलंकार में कोई समस्या नहीं है। हाँ, बचा उत्प्रेक्षा अतिशयोक्ति मानवीकरण, उसमें अर्थ भी याद नहीं होगा ना तो भी काम चल जाएगा, उसमें तुम्हें ट्रिक्स में एक एक शब्द बताऊंगा, उसमें याद हो जाएगा। शलेश पहला अलंकार ऐसा है जिसमें आपको अर्थ से, शब्द के अर्थ चिपके हुए मिलते हैं, वहां हमें ध्यान रखना है। अब यहां पर ऐसा मत करना कि यहां आपसे ये भी नहीं पूछेगा कि हाँ सबंग अलंकार है या अभंग अलंकार, आपसे डायरेक्ट पूछेगा कौन सा अलंकार है, तो शलेश बता देना। देखो यहाँ पे देखो, रावण सिर सरोज बंचारी, चली रघुवीर सिलीमुख धारी। अब यहाँ देखो, उपयुक्त उदाहरण में सिलीमुख शब्द के उभयार्थक है, उभयार्थक यानी दो या दो से अधिक अर्थ है। इसका एक अर्थ है भौरा, दूसरा अर्थ है बाण, इन दो अर्थ, उभय यानी क्या होता है दो, देखो उभय का अर्थ क्या होता है दोनों, जैसे जलचर थलचर दो होता है ना, एक होता है उभयचर, यानी दो उभयचर जो दोनों में रहे, जल में भी रहे और थल में भी रहे। चूंकि रावण के सिर की तुलना कमल से की गई है, अतः कमल के प्रसंग में इस शब्द का भौंरा अर्थ सार्थक है, किंतु युद्ध भूमि में राम के आगे बढ़ने के प्रसंग में राम का बाण धारण कर चलना अर्थ उचित होने से बाण अर्थ की सार्थकता है। एक ही सिलीमुख शब्द में दो अर्थों की विद्यमानता यहाँ शलेश को सूचित कर रही, ये आपको ध्यान में रखना होगा। क्योंकि देखो यहाँ सिलीमुख है, एक तो अर्थ सीधा सीधा हम लोग जानते हैं क्या होता है, भंवरा, ठीक है। अब दूसरा अर्थ क्या हो गया, बाण धनुष जिसे हम लोग कहते हैं, क्योंकि राम रावण का सिर की तुलना किससे की गई, कमल से की गई है। देखो रावण के सिर की तुलना कमल से की गई यहाँ पर इस पद में,
ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे देखो, इंद्र नील मणि महाचषक था, सोम रहित उल्टा लटका। यहाँ देखो सोम का अर्थ क्या है, चंद्रमा, सोमरस, यानी कि सोम क्या होता है, यानी कि कहते हैं ना अमृत जिसे हम लोग कहते हैं। एक और अर्थ निकल गया, देखो बहुत सारे अर्थ होते हैं इनके। नल की अरु नल नीर की गति एक करी जोय, जेतो नीचो हवे चले देतो ऊंचो होय। अब यहाँ देखो नीचो के दो अर्थ निकल रहे हैं, गहरा भी और नम्र विनय, नम्र विनती गणते विनय अनुसार। ऊंचो शब्द के दो अर्थ हैं, ऊपर उठा हुआ, उन्नत और बढ़ा। ये आपको ध्यान में रखना है, इन शब्दों को ध्यान में रखना है कि ये शब्द ऐसे निकल रहे हैं हमारे पास, ये शब्द ऐसे निकल रहे हैं हमारे पास, इनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। विपुल धन अनेको रतन हो साथ लाए, प्रियतम बतला दो ला मेरा कहाँ है। तो ये ध्यान रखना है, लाल के यहाँ दो अर्थ, लाल है बेटा, लाल मेरा कहाँ है, यानी कि यशोदा माँ पूछती है ना नंद बाबा से कि मेरा लाल कहाँ है, मेरे बेटा कहाँ है। दो अर्थ हैं लाल मणि और प्रिय कृष्ण जी। और बलिहारी निरपकूप की गुण बिन बूंद ने हो, यहाँ गुण के बहुत सारे अर्थ हैं, सदगुण भी होता है, रस्सी भी होता है, बहुत सारे गुण होते हैं भाई। किसी भी वस्तु में गुण तो होगा ही, चाहे वो द्वेष के रूप में हो, चाहे वो लाभ के अर्थ में हो या हानि के अर्थ में होगा, जरूर होगा वो, चाहे अच्छे गुण में हो चाहे बुरे गुण में हो। अब देखो सबंग संलेश, अब मैंने दोनों को टुकड़ा करके बहुत अच्छे समझाने की कोशिश की है, लेकिन आपको अभंग संवेश से, अभंग और सबंग से ध्यान नहीं रखना है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि संलेश अलंकार होता कहाँ है, ठीक है। जहाँ एक ही शब्द के टुकड़े करने पर अनेक अर्थ निकले वहाँ सबंग, यानी कि अब शब्द के, अभी तक हमने शब्द के टुकड़े नहीं किए थे, लेकिन अब यहाँ टुकड़ा करने पर भी अनेक अर्थ निकलेंगे। देखो बहुरी शक्र सम बिनवो ते ही सतत सुरानिक तीत ते ही। अब यहाँ देखो सुरा और निक, इसके अर्थ निकलेंगे। सुरानिक शब्द को श्लिष्ट पद है जिसके टुकड़े करने पर दो अर्थ निकलते हैं। सुरानिक, सुर शराब होती है, जैसे कि अनिक यानी कि सुरों यानी देवताओं की, अनिक यानी सेना यानी देवताओं की सेना, ऐसे सुरानिक। सुरादन निक, सुरा का अर्थ होता है मदिरा या शराब, और निक, नीक का अर्थ होता है अच्छी, यानी इसका पूर्ण अर्थ हुआ अच्छी शराब। समझ में आया, यानी कि आपको। और एक बात और ध्यान रखना है, लगभग लगभग क्या, तो जितने भी मैंने बहुत सारे उदाहरण दिए तुम्हें, एक एक अलंकार के बहुत सारे उदाहरण से समझा रहा हूँ, बाय चांस क्या तो यहाँ से पद उठ के आ जाए, या आपकी किताब पुस्तक से, जो आपकी पुस्तक क्षितिज भाग दो का पद खंड है वहाँ से ध्यान रखना कि मैंने एक एक शब्द कविता को पढ़ा है ना, तो वहाँ किसी शब्द के दो अर्थ भी निकले ना, तो मैंने वहाँ समझाया भी है, साथ में आपको PDF के द्वारा लिखा हुआ प्राप्त भी करवाया है। गलती नहीं करनी है, और फिर अलंकार से तो आपको टेंशन लेनी भी नहीं है, क्योंकि चार अलंकार हैं प्यारे बच्चों, और चारों बिल्कुल अलग हैं यार, बिल्कुल ही अलग हैं चारों। यानी कि कहते हैं ना कि यहाँ गोरा रंग का लड़का हो, यहाँ काला रंग का हो, यहाँ बादामी, यहाँ गेहुआ, यानी चारों बिल्कुल अलग अलग दिखाई देंगे। हाँ ये तो ये है, हाँ ये यही है, हाँ ये ये, ऐसे कहोगे आप, बिल्कुल अलग अलग कहोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चिरंजीवो जोरी जुरे क्यों ने इसने गंभीर, को गठी ये वर्ष भानोजा वे हल्दर के वीर। यहाँ हल्दर के वीर के भी दो से अधिक अर्थ है, वर्ष भानुजा के भी अर्थ हैं। देखो वर्ष भानुजा यानी वर्ष भानु की पुत्री राधा, वर्षभ भैल की अनुजा बैल की बहन अर्थात गाय, वर्षभ राशि में आयु सूर्य की पुत्री अर्थात अत्यंग उग्र स्वभाव वाली। ऐसे ही हल्दर के वीर बलराम के भाई श्री कृष्ण, ऐसे बैल हल्दर के बंधु अर्थात बैल जैसे पशु प्रकृति वाले, शेषनाग के अवतार यानी अर्थात बलराम जैसे उग्र स्वभाव वाले भाई, यानी कि यहाँ वर्ष भानुजा, और यानी कि ये ऐसे ऐसे उदाहरण हैं जो बहुत बार एग्जाम पूछे गए हैं, और एग्जामिनर आपका भी होगा ना, तो वहीं से ही उठाएगा इनको। यदि आपके पाठ्य पुस्तक से कोई पद नहीं लिया गया है तो वो 100% जो एग्जाम में आ चुके हैं वो उन्हीं को उठा करके रखेगा आपके सामने। और ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल, ये बहुत बार एग्जाम में आया, बहुत बार, पता नहीं कितने एग्जाम में बताऊं। यदि कंपटीशन की बात करूं ना, कंपटीशन में कम से कम ये है ना, कम से कम 50 बार नहीं तो आप मानो ना, तो कम से कम 20 बार तो मानो, 20 बार तो है ही है ये। और आपके जैसे 10th 12th के BA फर्स्ट ईयर के एग्जाम होते हैं ना, तो उनमें तो बहुत बार पूछा गया है ये। हे भूप कुबेर सुरेश सी सबो ने देखी, वसुधारण चातुरी तुम्हारी। अब यहाँ देखो वसुधारण, रण यानी युद्ध, वसुधा यानी पृथ्वी, बहुत सारे अर्थ निकलते हैं। किसी राजा की प्रशंसा करते हुए कवि ने उसे कुबेर और इंद्र दोनों के समान बता रहा है, और विशेषण ऐसा देता है जो कुबेर और इंद्र दोनों में भंग करने करके लागू हो जाता है। इंद्र के समान वसुधा पृथ्वी में, रण युद्ध की चातुरी निपुणता। ऐसे ही यहाँ देखो कुबेर के सदृश वसु धन धारणा, यानी कि वसु यानी धन,
और धारणाएं रखने की, चातुर्य यानी निपुणता होता है। ऐसे इस प्रकार एक बार वसुधन धारणाएं हम करें, दूसरी बार वसुधा धन ग्रहण करें तो भंग करके भी अर्थ निकालने से सबंग सले से यहाँ हो रहा है। यानी कि आप लोग कैसे भी टुकड़ा करो, चाहे तो आप लोग कैसे रखो वसुधन धारणा करो और या डायरेक्ट करो वसुधा धन रन करो, वसुधा का अर्थ भी निकल रहा है पृथ्वी, रन भी युद्ध निकल रहा है, ऐसे ही वसुधन धन धारणा यानी रखने वाली। कहते तुम धारण रख रहे हो भी, तुम इतना धैर्य कैसे रख सकते हो इतना कुछ कहने के बावजूद भी, तो भी फिर वही अर्थ इसका निकल रहा है। किसी की बिछुलन ने उर में संभाली गई, लाज काजल धुला भार धुला धार बहने लगी। यहां देखो लाज काजल अलग बहुत, यानी कि तुम्हें समझ में आ रहा है कि यहाँ दो दो शब्द आ रहे हैं ऑटोमेटिक भंग करके, अगर ऑटोमेटिक टुकड़ा कर लोगे तुम लोग, लाज काजल यानी लाज काजल से दो अर्थ निकलते हैं, अतः यहाँ सबंग पद से लेस है। देखो यहाँ तो दो कर लो, ला फिर का, लाज का जल। लाज क्या होती है? इज्जत जिसे हम लोग कहते हैं, इज्जत यानी कहते हैं ना नाक से पानी उतर जाना, इज्जत चली जाना, ऐसे कहते हैं ना। अब यहाँ देखो लाज काजल, काजल किसका प्रतीक है? इज्जत का प्रतीक है, वही ध्यान आपको रखना है। तो प्यारे बच्चों ऐसे आप लोगों को समझना होगा, ठीक है। पहले एक एक अलंकार को आप लोग पढ़ो, फिर मैं अलग से एक सेशन ले आऊंगा 10 मिनट का, जिसमें मैं चारों को बिल्कुल ही अलग अलग से समझा दूंगा। अब प्यारे बच्चों जो ये कोड आपको पता चल रहा है, ये कोड Y323 कोड कहाँ यूज करेंगे हम लोग, ये भी आपको पता होगा, जो आपको निश्चय बैच में उसमें करेंगे। अब देखो यहाँ पे अर्थ सेलेस क्या करते हैं, स्वाभाविक एकार्थवादी शब्द के द्वारा अनेक अर्थ का प्रतिपादन हो वहां पर, जैसे रंच ही सो ऊंचे चढ़, रंच ही सो गठी जाई, तुला कोटि कल दोहिनी की सदृश रीति जगमाही। देखो यहाँ दुष्ट व्यक्ति और तराजू की दंडी को समान बताते हुए कहा गया है कि दोनों थोड़े में ही नीचे ऊंचे होते रहते हैं, जहां भी ऊंचा होना और घट जाना कि मूर्त और अमूर्त अर्थ ग्रहण करने के अर्थ से लेस यहाँ पर बन रहा है। भूल जाना कोई दिक्कत नहीं है, याद समझ में नहीं आ रहा है तो, लेकिन यहाँ पे ये तो ध्यान रखना है कि किसी भी शब्द के अनेक अर्थ निकलते हैं तो वहां पर हमारा कौन सा अलंकार होता है? सलेस अलंकार होता है। ये आपको ध्यान में रखना होगा, पर्यायवाची याद रखना होगा, ठीक है। तो आपको निश्चय बैच में ज्वाइन करना है तो Y323 कोड यूज करके आ जाइए। प्यारे बच्चों प्रत्येक सब्जेक्ट में हमें अब की बार हमने टारगेट किया है कि बच्चों के प्रत्येक सब्जेक्ट में 100% मार्क्स हम लोग उन्हें प्राप्त करवाएं, ठीक है। अंग्रेजी पावरफुल इंग्लिश सीखना है तो भी आप लोग कोड यही यूज करेंगे Y323, तो भी आप लोग पावरफुल स्पोकन इंग्लिश सीख सकते हैं, ठीक है। ओके प्यारे बच्चों, तो ये था अभी के लिए, इतना ही सेशन था। अब आपको PDF चाहिए, PY क्यों चाहिए, सैम्पल पेपर चाहिए, तो आप लोगों को प्ले स्टोर से अडा 24/7 ऐप डाउनलोड करना होगा, और यहाँ सब कुछ बहुत कुछ मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जो आपके लिए लाभदायक होगा। कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? अडा 24 से क्लास 9th और 10th में। अच्छा सेशन लगता है तो क्या है, लाइक शेयर कमेंट देख लेना आप लोग, ठीक है। तो कैसा लगा आज का सेशन? अच्छा लगा तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लगा होगा। ईमानदारी से आप लोग अपनी मेहनत करोगे और सलेस अलंकार थोड़ा बहुत भी समझ में आ गया है तो आगे जैसे 3 अलंकार हम लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल ये अलग हो जाएगा। तुम कहोगे हाँ उस दिन समझ में कम आया था लेकिन आज हमने 3 पढ़ लिए हैं, अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर 4 अलंकारों को मैं एक दिन मिक्स करके ले आऊंगा कि हाँ अब बताइए इनमें कौन कौन सा अलंकार होगा, तो आप लोग तुरंत कहोगे सर इसमें ये है, इसमें ये है, इसमें, क्यों? क्योंकि चारों बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले अलंकार है, मतलब घिसपिस तो दिया ही नहीं है, बिल्कुल अलग अलग दिए हैं, बिल्कुल सभी की अलग अलग विशेषताएं होती है, आप लोग देखते ही पहचानोगे कि इसमें ये अलंकार है, इसमें ये है। तो अभी के लिए प्यार बच्चों इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों आज हम इस सेशन में उत्प्रेक्षा अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। देखो अलंकार के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया, सलेस अलंकार भी पढ़ लिया हम लोगों ने, बहुत अच्छे से पढ़ा। आज हम सेकेंड अलंकार है जिसका नाम है उत्प्रेक्षा अलंकार। ये क्या होता है क्या नहीं, उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा जल्दी से आप लोग सेशन से जुड़ जाइए, मजा आने वाला है। बस ट्रिक्स में जैसे हम लोगों ने सलेस पढ़ा वैसे ट्रिक्स में आज उत्प्रेक्षा अलंकार मात्र 2 मिनट का है, पर मैं आपको कुछ ज़्यादा चीज़ इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को कहीं पर भी 10th में नहीं आगे भी काम आए आप लोगों के लिए। 10th में तो केवल आपको 2 मिनट के लिए मैं समझा दूंगा 2 मिनट में क्या है क्या नहीं है, ठीक है। तो जल्दी से सेशन जुड़ जाइए, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल अडा 24/7 क्लास 9th और 10th में। तो प्यारे बच्चों उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है, देखो
एक बात तो हमें ध्यान रखना है कि उत्प्रेक्षा अलंकार में हमें कुछ शब्दों को देखना है, पहचान करनी है, जैसे जनु, मनु, मानव, मनहु, ये ऐसे कुछ शब्द हमें दिखाई देंगे और ये शब्द जैसे ही दिखाई देना तो आंख बंद करके आप लोग उत्प्रेक्षा अलंकार कर देना, ठीक है। तो क्लास टेंथ वाले बच्चों ध्यान रखो, बस ये शब्द देखो और अपना काम चलाइए। ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप लोगों को बहुत कुछ थोड़ा सा ज्यादा पढ़ना होगा, मेरे साथ में पढ़ेंगे। चलो यहां क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है प्यार बच्चों, उपमेय को उपमान के समान संभावना की जाती है, यानी कि उपमेय को क्या मान लिया जाता है, उपमान, वो भी कैसे, संभावना के तौर पर। उपमेय क्या होता है, उपमेय हम लोग कहें कि हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जो वाक्य में जिसके विषय में कहा जाता है ना, वाक्य में जिसके विषय में, वाक्य में जिसके विषय में कहा जाए, इन ट्रिक्स में हम लोग कहें ना तो हम लोग कह सकते हैं कर्ता जो होता है ना, कर्ता जिसे हम लोग विशेष्य के नाम से भी जानते हैं उसे कहा जाता है, या हम लोग ऐसे भी पढ़ सकते हैं यह कोई भी एक सामान्य वस्तु होती है, क्या होती है, सामान्य वस्तु होती है प्यारे बच्चों। तो कैसे समझेंगे एक बार वापस देखिए, अच्छे समझा देता हूं। उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ शब्दों को हमें देखना है, कौन कौन से, जनु, मनु, मानव, जनु, मनु, मानो, जनहु, मनहु, ये हमें ऐसे कुछ शब्द हमें देखने होंगे। दूसरी बात, यहां हमें संभावना व्यक्त की जाती है, क्या की जाती है, संभावना व्यक्त की जाती है, यानी किसमें, उपमेय को उपमान के समान हम क्या कर सकते हैं, संभावना कर सकते हैं कि हाँ यह वस्तु है, हो सकता है, इन संभावना में भी हो सकता है, ऐसा हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अब समझे हम लोगों की उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है, तो उपमेय को हम एक ट्रिक्स में समझे, उपमान को, तो उपमान होता है विशेषण और उपमेय होता है विशेष्य, सॉरी विशेष्य, क्या होता है, विशेष्य, हम लोग ये ऐसे भी समझ सकते हैं, या हम लोग कह सकते हैं विशेषण क्या होता है, किसी वस्तु का गुण और दोष बताने वाला शब्द। मैंने बोला मीठा रसगुल्ला, तो मीठे की विशेषता क्या है, मीठा, लाल गुलाब जामुन, तो गुलाब जामुन की विशेषता क्या है, लाल, इस प्रकार से आ जाए, छोटी नाक की विशेषता बताई जा रही, इस प्रकार से शब्द आ जाए तो वो विशेषण कहलाता है, और कर्ता जो बच गया वो क्या कहलाता है, विशेष्य कहलाता है, बस इतना ही ध्यान रखना। अब देखिए यहाँ पे मैंने कहा, ये आप लोगों के कक्षा टेंथ वाले बच्चे बस इतना ही ध्यान रखें, ये सब जहाँ दिखाई दे, मानो, मनो, जिमी, ज्योही, ईव, मनहु, जनु, जानो, जनहु, बस ये शब्द आपको देखना है, इसके अलावा आपको कुछ भी किसी भी शब्द का अर्थ देखना ही नहीं है। फिर सब इतना क्यों समझा रहे हो प्यारे बच्चों, इनसे काम नहीं चलता, तुम्हारा तो चल जाएगा टेंथ में, लेकिन आगे भी हिंदी गलती से हमने ले लिया है तो फिर कैसे काम चलेगा, उसके लिए थोड़ा बहुत हमें समझना होगा, ठीक है। तो क्या है, मानो, मनो, जीमी, ज्यो, ई, मनहु, जनु, जानो और जनो। आगे देखो, उपमेय और उपमान को परस्पर भिन्न जानते हुए, भिन्न यानी अलग अलग जानते हुए भी यहाँ उपमेय को उपमान समझने का प्रयत्न किया जाता है, यानी कि मैंने क्या कहा, उपमेय को क्या समाज, उपमान समझने क्या की जाती है, प्रयत्न, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि यह संभावना कर सकते हैं कि यह उपमेय है ना, उपमान ही है, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा नाम क्या पड़ा, उपमेय को उपमान समझने का प्रयत्न करते हैं, मान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा हो सकता है, संभावना कर सकते हैं। उत्प्रेक्षा का शाब्दिक अर्थ पूछ लिया जाए तो क्या होता है, संभावना या बलपूर्वक प्रधानता से देखना, अलग अलग तो है, उपमेय भी अलग है, उपमान भी अलग है, लेकिन फिर भी हम उपमेय को उपमान जैसा मान लेते हैं।
जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। मैंने कहा ना, एक वस्तु को दूसरी यानी उपमेय को क्या मान लेते हैं, उपमान मानने का प्रयत्न संभावना कर लेते हैं, यहाँ ऐसा हो सकता है। प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाए, यानी एक तो दिखाई दे रहा है, फिर कहते हैं मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मुझे धुंधला सा दिखाई दे रहा है, यानी प्रस्तुत में अप्रस्तुत की संभावना की जाए तो भी वहां पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उपमेय में उपमान की संभावना ही क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो क्या क्या देखना है हमें, हमें कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, किस पहचान याद रखनी है, मनु मानो जिमहि ईव जनहु मनहु, ये सब हमें ध्यान में रखना है, याद हो गया। आगे हमें क्या करना है, यदि हमें उपमेय और उपमान पता है, उपमेय क्या होता है, एक सामान्य वस्तु होती है जो हम लगभग लगभग देखते ही रहते हैं, जैसे मैंने कहा राजीव लोचन, राजीव क्या होता है कमल, लोचन क्या होता है आंख, मैंने बोला कमल के समान नयन। अब इसमें उपमान कौन सा है, विशिष्ट वस्तु कौन सी है, अरे आंख तो आंख होती है, कमल एक विशिष्ट वस्तु दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो हमें इस प्रकार समझना होगा। बहुत सारे उदाहरण है, समझा दूंगा। देखो कैसे संभावना करते हैं, उपमेय को उपमान कैसे मानते हैं वो देखो, क्या वह आएगा, इस प्रश्न के उत्तर निम्नलिखित हो सकते हैं, वह आएगा निश्चित हो गया, संभावना नहीं हुई है, निश्चित हो गया कि वह आएगा, वह नहीं आएगा, वह नहीं आएगा, यह भी फिक्स हो गया कि वह नहीं आएगा और वह आएगा, यह भी फिक्स हो गया। वह आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, भी क्या है, वह आ भी सकता है नहीं भी, संदेह नहीं हो रहा, तो यहां पे क्या हो गया, संदेह। उसके आने की संभावना है, अब हमने संभावना कर दी है, तब यहाँ पे क्या हो गया, हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। बोलो समझ में आया या नहीं आया, एक तो निश्चितता प्रकट की जाए, एक जहां निश्चितता प्रकट नहीं की जाए, एक संदेह प्रकट किया जाए और एक संभावना कर दे कि हाँ भाई राम आएगा क्या, हाँ सर आ सकता है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, अब संदेह हो गया। लेकिन यहां पर क्या, उसके आने की क्या है, संभावना है, यानी कि आ सकता है वो, ठीक है। ऐसे हम दूसरा उदाहरण देख ले एक बार और, मुख चंद्र है, मैंने कहा मुख है ना वो चंद्र जैसा है, यानी कि मैंने कहा मुख चंद्र है, मैंने बोला मुख चंद्र है यानी मुख चंद्रमा है, मैंने फिक्स बोल दिया मुख चंद्र है, ठीक है, निश्चित हो गया मुख है या चंद्र है। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार ये मुख है या चंद्र है, तुम्हें कन्फ्यूज हो गए, यार सामने मुझे चंद्रमा दिखाई दे रहा है, मुख दिखाई दे रहा है, अब कन्फ्यूज हो गए तो क्या हो जाएगा, वहां पर संदेह हो जाएगा। मुख संभवतः चंद्र है, यानी कि मुख मानो क्या है, चंद्र है, अब हमने संभावना कर ली कि संभवतः मुख क्या है, चंद्र है, तो यहां पे उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब आपको ध्यान रखना है, हिंदी आचार्य और सार्वभौमिक दृष्टि से इसके तीन भेद माने गए, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत उत्प्रेक्षा और वस्तु उत्प्रेक्षा। क्या क्या है, हेतु, हेतु का अर्थ क्या होता है, कारण, फलोत्प्रेक्षा और वस्तुत्प्रेक्षा, तो ये ध्यान रखना, हेतु क्या होता है, कारण, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, उत्प्रेक्षा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के, हेतु उत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा और वस्तुत्प्रेक्षा, ठीक है। क्या क्या पढ़ा हमने, पढ़ा कि उत्प्रेक्षा जो अलंकार होता है उसमें संभावना व्यक्त की जाती है, उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, हम लोग कह सकते हैं संभवतः वह उपमेय है जो उपमान है, और कुछ शब्द बताए मैंने, मनु जनु जानो मानो मनहु जनहु ईव जिमहि, ये ध्यान रखना है, जिमहि और ईव बहुत बार आया शब्द में, ये ध्यान रखना है आप लोग, ये सब जहां भी दिखाई दे तो वहां में उत्प्रेक्षा अलंकार मानना है। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया कि आपसे पूछ उत्प्रेक्षा अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको बताना भी है कितने प्रकार के, तीन प्रकार के, वस्तु हेतु और फल, ये आपको ध्यान रखना है। अब आपको वहां ये नहीं पूछेगा ये वस्तु उत्प्रेक्षा, मैंने इसलिए समझाया अलग अलग से, बाय चांस गलती से पूछ ले तब क्या करोगे प्यारे बच्चों, तब तो हमें कोई समझाने वाला भी नहीं देगा, मात्र तुम्हारा अलंकार तो यही खत्म हो गया, बस तीन प्रकार होते हैं, तीनों प्रकार के नाम याद रखना, ये शब्द पहचान वाले शब्द याद रखना और उसकी परिभाषा याद रखना, बस काफी है, तुम्हारे लिए हो गया। लेकिन फिर सर आगे क्यों समझा रहे हो, अरे भाई गलती से पूछ ले कि वस्तु उत्प्रेक्षा है, फलोत उत्प्रेक्षा है, हेतु उत्प्रेक्षा है, फिर क्या करोगे, लेकिन पूछेगा नहीं, आप चिंता नहीं करनी है, फिर मैं समझा देता हूं। ऐसे देखो एक बार, जहां एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना, एक वस्तु में नाम क्या है, वस्तु, तो एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात वस्तु को दूसरी, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाए, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान ली जाती है या संभावना कर ली जाती है तो वहां
वस्तुत्प्रेक्ष्य, इसे स्वरूपोत्प्रेक्ष्य, यानी देखो ये नाम टुकड़ा करके देख लिया करो, गलती से भी नहीं समझ में आया तो स्वरूप धन उत्प्रेक्ष्य, तो क्या हो जाएगा स्वरोत्प्रेक्ष्य, स्वरूपोत्प्रेक्ष्य। एक वस्तु दूसरी वस्तु की संभावना वस्तुत्प्रेक्ष्य है, उत्प्रेक्षा में वस्तुत्प्रेक्षा में ही उपमेय और उपमान की संभावना की जाती है। यानी क्या कहा मैंने, उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यानी उपमेय को उपमान मान लिया जाता है, तो वहां पे हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, वस्तुत्प्रेक्षा अलंकार मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब देखिए यहां पे कुछ उदाहरण है, छिपियो छपीली मुह लिसे लसे नीले अंचल चीर मनोकला निधि झलमले कालिनी दी के मीर। अब नीर, अब आप लोगों को इसका अर्थ नहीं पता, कौन कहता है तुम्हें अर्थ याद रखो भी, मैंने कहा है क्या, मैंने ईमानदारी तो मैंने कहा है कि आप लोगों को एक एक शब्द का अर्थ याद रखो, कितने शब्दों का अर्थ याद रखोगे अभी, वैसे पढ़ने का हमारे पास बहुत ज्यादा बहुत कुछ है, फिर हम कहां से कैसे पढ़ेंगे, तो चिंता नहीं करनी, मैंने वो शब्द बताए थे याद है, यहां कहीं आ रहा है क्या, देखो मनो मानो जन हू जिमी ईयू बताया था ना, बस तो फिर आ गया। अर्थ भी देखो तो अर्थ मैंने नीचे लिख दिया, यहां नीले घूंघट के भीतर से अपनी कांति, कांति क्या होती है चमक, बिखेरते हुए मुख में कालिंदी के जल में जल मलाते हुए चंद्रमा की उत्प्रेक्षा की गई है, अर्थात मुह वस्तु में चंद्र वस्तु की उत्प्रेक्षा होने की वस्तु उत्प्रेक्षा है। यानी क्या हो गया, मुह में चंद्र, मुह को क्या मान लिया गया, चंद्र मान लिया गया है, समझ में आया, नहीं मानो ना, नहीं समझ में आया तो ये सब ध्यान रखना है बस, और कुछ याद नहीं रखना है आप लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए, कंठ जब रुंधता है तब कुछ रोती हूँ, होंगे गत जन्म के मेल में उन्हें धोती हूँ। अब देखो यहाँ पे, अब तुम्हें लगता है कि यहाँ पे यार अब वो शब्द भी नहीं आए, अब हम क्या करें, तो आपको एक सामान्य वस्तु देखो और एक विशिष्ट वस्तु देखो, भाई देखो जरूरी नहीं वो शब्द आप लोगों को दिखाई दे, अब यहाँ शब्द दिखाई नहीं दे रहा, अब देखो यहाँ कंठ रुंधने का कारण नायिका द्वारा गत जन्मों में मैल मान लिया गया है, जबकि ऐसा नहीं है, फिर भी प्रथम वस्तु में द्वितीय वस्तु की संभावना व्यक्त कर ली गई है, अतः यहाँ वस्तुत्प्रेक्षा। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, पिछले जन्म में, पिछले जन्म में जो रूठने का, कंठ रुंधने का, यानी कंठ रुक गया था किसी कारण से किसी नायिका का, तो उसे मैल मान लिया गया, लेकिन रुका नहीं था वो कंठ, उसको मान लिया गया है बस, तो ऐसे याद रख लेना। आगे देखो, देखो ये आ गया ज्यों हूं, बोलो कोई दिक्कत है क्या, यही शब्द देखना है हमें, आ गया मिल गया, मिलते ही कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि आपके चार अलंकार हैं, कौन कौन से, एक तो सलेस है, एक उत्प्रेक्षा है, ये बार बार इसलिए बता रहा हूं आप रट भी लो इनको, एक मानवीकरण है और एक अतिशयोक्ति है, बिल्कुल चारों के चारों ना नालायक, बिल्कुल अलग अलग, चारों के चारों बिल्कुल ही अलग हैं, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको वहां छांटने में, एमसीक्यू पूछेगा आपसे और वहां छांटने में आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। ठीक है, अब यहां देखो, दिखाई दिया, दिखाई दिया ना आप लोगों को, बस यही शब्दों को ध्यान में रखना है। अब तुम्हें शब्दों का अर्थ याद है तो भी ठीक है, याद नहीं है तो भी ठीक है, आप लोग मजे लो यार, मजे से पढ़ो ना मनोरंजन के साथ में। अब देखो एक बात और ध्यान रखो, थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही होगा, अब ऐसे नहीं कि बिल्कुल बिना पढ़े पास हो जाएं, थोड़ा बहुत पढ़ो यार, ज्यादा नहीं पढ़ना। देखो ये शब्द दिख लिया बस, आगे मत करो कुछ भी। आगे देखो यहाँ पे नील परिधान भी, ये तो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, नील परिधान भी सुकुमार खुल रहा मृदुल अधिखिलांग, खिला हो जो बिजली का फूल मेघवन बीच गुलाबी रंग। देखो यहाँ पे आ गया शब्द, अर्थ आप लोग देख लीजिएगा, तो वही तो मैं कह रहा हूँ, एक एक ट्रिक्स में हमें अलंकार समझ में ना है। आगे देखो, मुझे देखते ही दिख गया ये सामने, तब मैंने आगे नहीं पढ़ा, चमचमाता चंचल नयन बीच घूंघटपन जीन मानहो सुर सरिता विमल जल उछलत युग्मीन, पढ़ लेना आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा ये पढ़ लेना, मैंने उदाहरण उसका वो भी कर दिया है, व्याख्या भी कर दी। आगे देखो, जान पढ़ता नेत्र देख बड़े, यानी ये तो सीधा सीधा शब्द है, जान पढ़ता यानी जानना पड़ रहा हमें जबरदस्ती, नेत्र देख बड़े बड़े हिरको में गोल नीलम के नीलम है जड़े, मुझे लग रहा है कि इसमें नीलम जड़े हुए, देखो यहाँ वस्तु नेत्रों में अप्रस्तुत वस्तु हीरों से जड़े नीलम की संभावना की जा रही है, जान पड़ता इस पद में उत्प्रेक्ष, जान पड़ता है नाम,
जान पड़ रहा है मुझे, मैं नहीं मान रहा लेकिन मुझे पड़ रहा है कि यहाँ ऐसा है, ऐसी संभावना मुझे की जा रही है। देखो मनु आ गया, थोड़ा जल्दी करवा देता हूँ, आप लोग देखते रहना। मनो आया नहीं आया, ये प्रत्येक मिलेगा तुम्हारे, ऐसे नहीं कि मैं तुम्हें अलग से छान छान करा रहा हूँ, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। तुम अपनी बुक में भी देखोगे ना, एक बार देखते ही मान लोगे हाँ ये सर ने सही बताया था हमें। देखो आ गया, हरित पीत अंकुर बसन, लव लतानी के हार, जनु आषाढ़ किनी मही दुल्ही के श्रृंगार। देखो ऐसा नहीं है कि मैं छांट छांट के लेके आऊँ, आप लोग खुद पढ़ के देखना एक बार, समझ में आ जाएगा। हेतु उत्प्रेक्षा, अब देखो ए हेतु की हेतु के रूप में संभावना, ए हेतु यानी कारण नहीं है फिर भी कारण माना जा रहा है, कारण नहीं है फिर भी कारण माना जा रहा है। देखो चंद्रमा मानो रात्रि के वियोग से पीला पड़ गया, चंद्रमा मानो रात्रि के वियोग से पीला पड़ गया है, ऐसा भी कभी हुआ है क्या? देखो आ गया, हाँ यही है, बस ज्यादा कुछ नहीं करना। मानो कठिना चली ताते राते पाऊ, आपसे ये नहीं पूछेगा, ध्यान रखना बार बार कह रहा हूँ, ऐसे नहीं पूछेगा ये हेतु उत्प्रेक्षा है, वस्तु उत्प्रेक्षा है, फलोत उत्प्रेक्षा है, पूछे तो फिर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ देखो, दुर्जन टले सज्जन मिले, दो लाभ हो जो साथ ही, तो बुद्ध विवेकी चित्त में आह्लाद क्यों पावे नहीं, रजनी जाता है चला दिवदेश में, दिव शेष आता है मानो, इसी से पक्षियों का वृंद गाता है यहाँ। आया नहीं आया, आया है ना, बस। तो फिर विरह के आगे सुर जई कांपा, मानहू मनहू जनहू, ध्यान रखना है मानो, देखो कितना जल्दी जल्दी हो रहा है, हो रहा है ना, बस। तो फिर मनो मनो मानो एक ही बात है, ध्यान रखना है। आगे देखो मनहू आ गया, बस यही ध्यान रखना है। रवि अभाव लखी रेन में, जिस दिन लखी चंद्र विहीन, सतत उदित यह हेतु जनु, आ गया जनु, बस ये तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है कि गलती कहीं कर भी बैठते हो तो आपको समझ में आ जाए, और समझ लेना ज्यादा इतना हार्ड भी नहीं है। फलोत्पेक्षा यानी फल से तात्पर्य उद्देश्य से है, यहाँ एफल में फल की संभावना, वहां अवस्तु में वस्तु की संभावना, अहेतु में हेतु की संभावना, अब यहाँ एफल में फल की संभावना की जा रही है। देखो यहाँ पे उदाहरण देखो, हेतु उत्प्रेक्षा में अहेतु की उत्प्रेक्षा की जाती है, वैसे ही फलोत्पेक्षा में एफल की फल की उत्प्रेक्षा होती है। कोई किसी सुंदरी से कहे कि तुम्हारे मुख की समता पाने के लिए मानो कमल जल में तपस्या कर रहा है, यानी कि तुम्हारे मुख की सुंदरता मानने के लिए मानो कमल है ना समुद्र में तपस्या कर रहा है, ऐसा हो गया। देखो मानहु विधि तनु अच्छ छवि, स्वच्छ राखी काज, दृग पग पहुंचन को कियो भूषण पाइंदाज, ये लो भी। नाना सरोवर खिले नव पंकजों को, ले अंक में बिरहस्ते भी हंसते मन मोहते थे, मानो पसार अपने सतस करो को, वे मांगते शरद से शु विभूतियां थे, यानी कि यहां देखो मानो आ गया, सरोवर के खिले कमलों में हाथ प्रसार कर शरद से विभूतियां मांगने की उत्प्रेक्षा की गई है, यहाँ विभूतियां मांगना फल है, उसके लिए सरोवरों का हाथ फैलाना असिद्ध है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे तरणी, ये तो ये उदाहरण है ना, नील परिधान वाला, नील परिधान सुकुमार वाला, और एक ये तो बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। तरनी तनुदा तट तमाल तरुण बहु छाए, जुखे कुल सो जल प्रसन्न हिल मनहु सुहाए, ये देखो ठीक है। लंबा होता ताड़ का वृक्ष जाता, मानो छूना व्योम को चाहता, आकाश को छूना चाहता है भाई। मनहु विदितन अच्छा छवि, राखी काज, द्रग पग पहुंचन को किए भूषण पाइंदाज, ये लो। कोई दिक्कत है तो बताना मुझे, बता देना कमेंट करके। ये देखो यहाँ पे जनु आ गया। तो देखो मात्र जो उत्प्रेक्षा अलंकार था, मात्र आपका 2 मिनट का था प्यारे बच्चों, कितने मिनट का था, 2 मिनट का था, इससे ज़्यादा कुछ लगा है क्या? ये तो मैंने उदाहरण मैंने बहुत सारे सुना, तुम्हें सोचो कि सर ऐसे शब्द कहाँ से हम मिलेंगे, तो ऐसे मिलेंगे प्यारे बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो ये था आज की क्लास थी आपकी उत्प्रेक्षा, तो कोड आप लोग यूज कर ही लेंगे, निश्चय बैच में आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो Y323 कोड यूज करिए और 20 मैक्सिमम डिस्काउंट प्राप्त कीजिए। अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो भी आप लोग Y323 कोड यूज कर सकते हैं। PDF चाहिए तो Adda247 ऐप डाउनलोड करें। यदि क्लास अच्छी लगती है तो देख लेना, लाइक वगैरह भी देख लेना प्यारे बच्चों, क्योंकि अच्छा लगता है यार, आपको कोई पसंद करे तो आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता, लगता है ना, तो वही बात हमारे साथ है, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे और आपकी पढ़ाई भी सुचारू रूप से चल रही होगी। प्यारे बच्चों, इस सेशन में हम दो अलंकार, एक मानवीकरण अलंकार, दूसरा अतिशयोक्ति अलंकार, इन दोनों अलंकारों के बारे में पढ़ेंगे। और ऐसा पढ़ेंगे कि लाइफ में कभी दोबारा से इसे पढ़ने की आवश्यकता न पड़े, क्योंकि इस प्रकार से एक एक शब्द को अच्छे से समझेंगे क्या होता है मानवीकरण अलंकार, क्या होता है अतिशयोक्ति अलंकार। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं चर्चा करूं आपको मानवीकरण अलंकार बताने की। तो मानवीकरण अलंकार होता क्या है, देखो यहां पे एक शब्द निकल रहा है, मानव निकल रहा है ना, तो ध्यान रखना मतलब क्या है। कोई भी प्राकृतिक पदार्थ है, एक्स वाई जेड, कोई भी प्राकृतिक पदार्थ है, ठीक है। अब इस प्राकृतिक पदार्थ का जो कार्य हो रहा है वो कैसा हो रहा है, मानव के जैसा। कैसा कार्य कर रही है, मानव का जैसा कार्य करते हुए दिखा रहा है आप लोगों को। जैसे मैंने कहा कि वर्षा ऋतु चिल्ला रही थी, भाई चिल्लाता कौन है, मानव चिल्लाता है, वर्षा ऋतु थोड़ी चिल्लाती है। पेड़ पौधे हंस रहे थे, अरे पेड़ पौधे थोड़ी हंसते हैं, मानव हंसता है। या किसी भी प्राकृतिक पदार्थ को आप लोग मानव मान लो, जैसे हम लोग बार बार एक शब्द आता है उषा, उषा को हम लोग एक स्त्री के रूप में मानते हैं क्या। तो आप लोग किसी प्राकृतिक पदार्थ को मानव जैसा मान लो, या मानव के जैसा कार्य करते हुए जहां दिखाया जाता है वहां पर हमारा होता है मानवीकरण अलंकार, ठीक है। ऐसे ही मैं अतिशयोक्ति अलंकार की बात करूं तो यहां यह दो शब्दों से बना है, एक है अतिशय, दूसरा है उक्ति। यानी किसी भी कथन को, अतिशय अर्थ क्या होता है, बढ़ा चढ़ाकर कहना, बढ़ा चढ़ाकर कहना, ठीक है। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है, कोई भी बात है उसको बढ़ा चढ़ाकर कह दूं, अरे भाई ये तुम्हारा ताजमहल कब बनेगा, कोई मकान बन रहा है, किसी बेचारे ने बना रहा है, पैसे कम थे, धीरे धीरे चलते चलते उसको 6 महीने हो गए, फिर कहते हैं ना अरे भाई ये तुम्हारा ताजमहल कब बनेगा, तो इस प्रकार से बढ़ा चढ़ाकर कह देना, ठीक है। या कोई भी कार्य है, मैंने सोचा उस कार्य के बारे में, कार्य कैसे होगा, उससे पहले तो कार्य हो गया, तो वहां पर भी हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। या एक ही समय में कार्य और कारण दोनों हो जाए, अब ये तुम लोगों को समझ में नहीं आएगा कार्य कारण, या कारण से पहले कार्य कैसे हो जाए, ये हम लोग उदाहरणों की सहायता से पढ़ेंगे। तो दोनों अलंकारों को यदि अच्छे से पढ़ना चाहते हो जल्दी सेशन से आप लोग जुड़ जाइए प्यारे बच्चों, ठीक है। हाँ, एक दूसरे दोस्तों को फोन कर लो यार, वरना ये अलंकार है ना, अलंकार ऐसे होते हैं जो समझ में नहीं आता है, लेकिन आज हम इन दोनों अलंकारों को हमारे दिमाग में ऐसे बैठाएंगे कि लाइफ में कभी समस्या नहीं आएगी। देखो मानवीकरण अलंकार क्या होता है, मानवीकरण का शाब्दिक अर्थ होता है मानव के जैसा बता देना, या मानव के जैसा कर देना, या तो किसी पदार्थ को मानव के जैसा कर दो या मानव जैसा बता दो। अर्थात जब किसी पद या वाक्य में किसी प्राकृतिक पदार्थ को मानव के रूप में मान लिया, यानी कोई प्राकृतिक पदार्थ है और उसको मानव के रूप में मान लो, जैसे ऊषा को मैंने कहा ना उदाहरण दिया, तो ऊषा को हम लोग किस रूप में मानते हैं, स्त्री के रूप में मान लिया। बादलों को बच्चे के काले काले घुंघराले बालों के समान मान लिया, ऐसे अलंकार तो मानवीकरण अलंकार हो गया। या प्राकृतिक पदार्थों में मानव की जैसी क्रियाओं का होना पाया जाता है, प्राकृतिक पदार्थों में मानव की जैसी क्रियाओं का होना पाया जाता है, या किसी प्राकृतिक पदार्थ द्वारा मानव के जैसा कार्य करते हुए दिखाया जाए तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। कहने का तात्पर्य क्या है, मैंने कहा पेड़ पौधे हाथ हिला रहे थे, अब हाथ कौन हिलाता है भाई, इंसान हिलाता है, अब पेड़ पौधे तो हवा से हिल रहे थे, तो ऐसा लग रहा था कवि को कि पेड़ पौधे ना हाथ हिला रहे थे और बच्चों के झुंड को अपने पास बुला रहे थे। तो ऐसा कुछ होता है जहां पर, तो हमें पद को पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि यहां मानव की जैसा कार्य करते हुए दिख रहा है। जैसे देखो, हंसते हैं छोटे पौधे लघुबार सस्य अपार, हिल हिल खिल खिल हाथ हिलाते तुझे बुलाते, विप्लव रव से ही छोटे शोभा पाते। निराला जी की पंक्ति है, ध्यान रखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। अब देखो हिल हिल खिल खिल, हिलता कौन है, खिलता कौन है, हाथ हिलाता कौन है, बुलाता कौन है, हंसना कौन है, कौन हंसता है, इंसान हंसता है, हाथ कौन हिलाता है, इंसान हिलाता है, बुलाता कौन है, अरे इधर आ, इंसान बुलाता है। तो यहां पर क्या हो गया, मानवीकरण अलंकार। देखो इस पद में पौधों में मानव की जैसी क्रियाओं जैसे हंसना, हाथ हिलाना, बुलाना का होना पाया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। यानी पौधों द्वारा हंस रहे हैं पौधे, हाथ हिला रहे हैं पौधे और बुला रहे हैं, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो गया। देखो दूसरा, हिम आच्छादन, धीरे धीरे हिम आच्छादन हटने लगा धरातल से, जगी वनस्पतियां अलसाई मुग्ध होती शीतल जल से, यानी पृथ्वी पर बर्फ थी अब वो धीरे धीरे हट रही है,
अब अठारह तो क्या हो रही है, वनस्पतियां आलस्य को त्याग कर क्या हो गई हैं, जग गई हैं, उठ गई हैं। मतलब उठता कौन है, इंसान उठता है, वनस्पति थोड़ी उठती है भाई। फिर क्या करिए देखो, मुख धोती शीतल जल से। अब वो वनस्पतियां हैं अपना मुख शीतल जल से धो रही हैं, और इंसान उठता है सुबह सुबह, मुख धोता है शीतल जल से, तो मानव जैसा कार्य करते हुए बताया गया है वनस्पतियों को। देखो कैसे इस पद में प्राकृतिक पदार्थ वनस्पतियों के द्वारा मानव के जैसे कार्य करते हुए दिखाया गया है, जैसे आलस्य से जागना, ठंडे पानी से मुख धोना, इसलिए यहाँ पर क्या है, मानवीकरण अलंकार। बोलो समझ में आया नहीं आया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बारिश हो जानी चाहिए सफेद सफेद कमेंट्स की, कि हाँ सर आ गया आ गया आ गया, तो मैं मान लूंगा, और कमेंट अवश्य करना समझ में आ जाए तो। ठीक है, संध्या घनमाला की होडे रंग बिरंगी छीट। अब देखो संध्या को किसके समान बताया गया यहाँ पे, एक स्त्री के समान बताया गया, और वो संध्या क्या कर रही है, ओडे रंग बिरंगे छीट, यानी रंग बिरंगे, ओडे यानी ओढ़ना, यानी कि पहनना, ओढ़ना या पहनना, रंग बिरंगे छीट यानी रंग बिरंगे पहन रही है कौन, संध्या। अब संध्या को स्त्री के रूप में माना गया, एक तो ये बात मानवीकरण अलंकार, दूसरा वो रंग बिरंगे कपड़े पहन रही है। अब रंग बिरंगे कपड़े कौन पहनता है प्यारे बच्चों, इंसान पहनता है। तो इस पद में प्राकृतिक पदार्थ संध्या के द्वारा मानव के जैसा कार्य करते हुए दिखाया गया है, जैसे रंग बिरंगे कपड़े ओढ़ना, इसलिए यहां पर, इसलिए यहां मानवीकरण अलंकार है। नेक्स्ट देखो, भीति विभावरी जागरी अंबर पनगढ़ में डूबो रही, तारागढ़ उषा नागरी, खगकुल कुलकुल सा बोल रहा, किस लिए कहाँ चल डोल रहा, हलो यह लतिका भर लाई, मधु मधु मुकुल रवर रस घाघरी। अब देखो यहाँ पे उषा को, सीधी सी बात है, ये उषा है, इसको नागरी के समान यानी एक मानवीय स्त्री के समान मान लिया गया है। और यहाँ पे कार्य क्या हो रहा है, देखो किसलय का आंचल डोल रहा। अब आंचल किसका डोलता है भाई, साड़ी का पल्लू, या जो गांव में लुगड़ियां ओढ़ती हैं उसका पल्लू, आंचल वही तो डोलता है, मतलब मानवीय स्त्री को ही तो डोलता है ना। अब यहाँ किसको बताया गया है, यानी कि उषा को स्त्री के समान बताया गया है। और आगे देखो, लतिका भी भर लाई नवल रस घाघरी, यानी कि लतिका है जो बेल है वो क्या कर रही है, पानी की मटकी भरकर ला रही है, और पानी की मटकी भरकर कौन लाता है, स्त्रियां लाती है। देखो इस पद में प्राकृतिक पदार्थ उषा को एक मानवीय स्त्री के रूप में मान लिया गया है, तथा एक तो यहां पर हो गया, दूसरा प्राकृतिक पदार्थों में मानव की जैसी क्रियाओं का होना, क्रियाओं का पाया गया है, क्रियाओं का होना, क्रियाओं का होना पाया गया है, जैसे किसलय का आंचल डोलना, लतिका के द्वारा मटकी भरकर लाना आदि, इसलिए यहां पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इजी है ये और अच्छे से पढ़ना इसको। सिंधु सहज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, परले निशा की हलचल स्मृति मानिक ये सी हैठी सी। अब देखो यहां पर क्या है, धरा पृथ्वी को किसके समान बताया गया, एक स्त्री यानी वधु के समान बताया गया, पृथ्वी को किसके समान बताया गया, वधु के समान, तो एक तो यहां हो गया। अब वो बैठी हुई है सिंधु यानी समुद्र की सहज, और बैठी हुई है संकुचित सिकुड़ी हुई सी बैठी हुई है, बैठता कौन है, महिला इंसान बैठता है, तो वही बात है। इस पद में कवि ने धरा पृथ्वी को वधु के रूप में मान लिया गया है, जो सिंधु समुद्र रूपी सहज पर बैठी है। धरा वधु द्वारा संकुचित होना, मान करना, ऐंठ जाना, ऐसे मानोचित क्रियाएं करना वर्णित है, अतः यहाँ पर, अतः यहाँ धरा अर्थात पृथ्वी का मानकरण किए जाने से मानकरण अलंकार। यानी कि देखो, संकुचन सिकुड़कर बैठना, मान करना, मान इंसान करता है, ऐंठ जाना, ऐंठना यानी ऐंठ नहीं होती, कुछ महिलाएं सुंदर होती तो ऐंठती है, मतलब बोलते हैं ना घमंड के मारे, अरे क्यों ऐंठ रहे हो, कितना घमंड क्यों कर रहे हो, इस प्रकार से। अब पढ़ते हैं हम लोग अतिशयोक्ति। अतिशय का अर्थ मैंने बताया, दो शब्दों से बना अतिशयोक्ति, अतिशय धन उक्ति, ध्यान रखना आप ये भी लिख सकते हो, अतिशयोक्ति दो शब्दों से बना है, अतिशय धन उक्ति अर्थात किसी भी कथन के बारे में बड़ा चढ़ाकर कह देना। अतिशय का ये भी लिख सकते हो, अतिशय का अर्थ होता है बड़ा चढ़ाकर, यानी किसी भी कथन के बारे में बड़ा चढ़ाकर कह देना। जैसे यानी कि छोटे छोटे बालक होते हैं ना, उसकी जो हंसी होती है, उसकी जो मुस्कुराहट होती है, मैं कहूँ या इस छोटे नन्हे मुन्ने बालक की जो हंसी है ना, मरे हुए इंसान में भी जान डाल देती है। अरे मरे हुए, मर गया इंसान, अब उसमें जान कैसे आएगी, तो बड़ा चढ़ाकर मैंने बात कर दी, मैंने कहा अरे ये तेरा ताजमहल है, यानी कोई मकान बन रहा, मैंने कहा अरे ताजमहल कब बनेगा, बड़ा चढ़ाकर बात कर दी मैंने। तो इस प्रकार से ये कलम है, मैं कह दूं अरे क्या बात है, आ तो तेरी तलवार ने बहुत सारों की गर्दन काट दिए, बढ़ा चढ़ाकर बढ़ाई कर दी भाई, कलम की, कलम को तलवार मान लिया गया। तो इस प्रकार से देखो, अतिशयोक्ति का शब्दार्थ है अतिशय अर्थात बढ़ा चढ़ाकर, लोक सीमा से अधिक उक्ति, यानी कि लोक सीमा से, यानी संसार में जो उक्तियां, जो कथन चल रहे हैं
उनसे भी बड़ा चढ़ाकर बात कर देना, मकान कब बनेगा, ताजमहल कब बनेगा। कलम ने गर्दन काट, कलम थोड़ी गर्दन काटती, तलवार काटती, तो कलम को कैसा मान लिया गया, तलवार के जैसा मान लिया गया। उक्ति अर्थात वर्णन करना, इसमें किसी वस्तु का वास्तविकता से अर्थात लोक सीमा से अधिक वर्णन किया जाता है, यानी संसार में जो उक्तियां हैं, जो कथन है, उससे बड़ा चढ़ाकर बात कही जाती है। जहां वस्तु का खूब बड़ा चढ़ाकर अस्वाभाविक स्वरूप में वर्णन किया जाए, यानी कि स्वाभाविक तरह से नहीं, अस्वाभाविक रूप से, यानी कि जिनकी मतलब कोई हद ही पार कर दे। स्वाभाविक तो सीधी सी बात है, और एक अस्वाभाविक यानी हद पार कर दे, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। काव्य शास्त्र या काव्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र या काव्य शास्त्र, या जहां किसी वस्तु या बात का वर्णन इतना बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए कि लोक सीमा का उल्लंघन का प्रतीत हो, ऐसा पता चल जाए लोक सीमा का उल्लंघन हो रहा है, जहां अस्वाभाविक वर्णन होता है, तो वहां हमारा अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे देखो, बांधा बांधा है विधु को किसने इन काली जंजीरों से, फनी वाले मनियों का मुख क्यों भरा हुआ हीरों से। अब यहाँ है ना, यहाँ यानी कि कहते हैं ना, एक स्त्री की सुंदरता का वर्णन किया गया, स्त्री के मुख को किसके समान माना गया, विधु, चंद्रमा के समान बताया गया है, और उसके बालों को काली जंजीरों के समान बताया गया, यानी कि सांप जिसे हम लोग कहते हैं। फनी वाले मनियों का मुख क्यों भरा है हीरों से। अब देखो, सांप मणिधारी होता है, होता मणि धारण करता है, लेकिन वो क्या कह रहा है कि मुख सांप का है ना, किससे भरा हुआ है, हीरों से भरा हुआ है। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, दो अतिशयोक्ति बात हो रही है यहाँ पे, कि जो महिलाएं मांग भरती हैं, ठीक है, जो महिलाएं मांग भरती हैं, वो महिलाएं क्या हो रहा है यहाँ पर, उन महिलाओं की जो मांग है वो मोतियों से भरी हुई बताई जा रही है। दूसरी बात जो यहाँ आश्चर्य प्रकट कर रहे हैं कि जो सर्प होता है वो मणिधारी होता है, लेकिन उनका मुख कैसा भरा हुआ है, मोतियों से भरा हुआ बताया गया है। देखो इस पद में, इस पद में किसी नारी के सौंदर्य एवं श्रृंगार का अतिशय वर्णन करते हुए कवि ने मुख को विधु यानी चंद्रमा मान लिया गया है, तो यहाँ पे एक तो अतिशयोक्ति हो गया, और बालों को सर्प कहा है। नारी की मोतियों से भरी हुई मांग को हीरों से भरी हुई समझते हुए आश्चर्य प्रकट किया है। सर्प तो मणिधारी होता है, और फिर क्यों उसका मुख हीरों से भरा हुआ है। यहाँ पर केवल उपमानों का उल्लेख हुआ है, उपमेय की सत्ता ही नहीं रही। विधु, फनी, हीरे आदि उपमान हैं, जिन्होंने उपमेय, मुख, बाल और मोती सबको अपने में विलीन कर लिया है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार माना गया है। वह सर इधर गांडीव गुण से भिन्न है, जैसे ही हुआ धर से जयद्रथ का उधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, यानी कि जैसे ही धनुष में बाण लगाया और उसे छोड़ा भी नहीं, उससे पहले तो जयद्रथ का सिर कट गया, उड़ गया। तो कार्य और कारण दोनों क्या हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, समय का पता ही नहीं चल रहा है। यानी कार्य हो चुका है, कारण से पहले ही कार्य हो चुका है, यानी कि धनुष पर बाण चढ़ाया ही था, चढ़ाते ही जयद्रथ का सिर कट चुका था। देखो, अर्जुन के गांडीव धनुष की डोरी से बाण छूटा नहीं कि जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया, यानी कि बाण चलाया नहीं उससे पहले भी धड़ अलग हो गया, यानी कारण से पहले कार्य हो गया। इसमें कारण और कार्य के बीच जैसे काल की दूरी को एकदम मिटा दिया गया है, अतः यहाँ अतिरंजित वर्णन है, अतिरंजित यानी बहुत ज्यादा वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। यानी कि भाई देखो, धनुष पर बाण चढ़ा ही नहीं, वो चढ़ाया ही था, चढ़ाते ही उसका गर्दन ही कट गई, इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। अद्भुत एक अनुपम बाघ जुगल कमल पर गजवर क्रीडत, तापर सिंह करत अनुराग। अब देखो, युगल कमल पर कौन क्रीडा करता हुआ माना गया है, गजवर। हाथी क्रीडा कर सकता है क्या, अरे भंवरा क्रीडा करता है, हाथी थोड़ी क्रीड़ा करेगा। और सिंह पर करता अनुराग, और सिंह पर तो क्या कर रहा है, प्रेम आ रहा है। ऐसा कभी होता है क्या, नहीं होता। इस पद में चरण के बदले युगल कमल, कमल के बदले गजवर, यानी भंवरे के बदले, भंवरे के बदले भंवरा होता है ना, भंवरे के बदले गजवर, और कटी कमर के बदले सिंह उपमानों का प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। राम सिए सिर सेंदूर देही, उपमा कहीं न जाए कवि के ही, अरुण पराग जलज भरिनी के, ससही भूस
अहि लोभ अमी के। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ बहुत सारे उपमान है। देखो यहाँ पे जलज यानी कमल, शशि यानी सांप, आई सॉरी अहि यानी सांप और शशि यानी चंद्रमा। अब राम जी की जो भुजाएं हैं, शरीर है, उनको कमल के समान, चंद्रमा के समान, मुख को चंद्रमा के समान और सांप। अब इस प्रकार से उपमेय पर उपमानों को जबरदस्ती ही डाल दिया गया है, मतलब उपमेय की सत्ता ही समाप्त हो रही है यहाँ पर। तो देखो कैसे, पहली चौपाई का अर्थ स्पष्ट है। नीचे दी गई चौपाई में उपमान अहि यानी सर्प, शशि यानी चंद्र, जलज यानी कमल, तुलसी एवं अरुण पराग के द्वारा उपमेय कर्म से राम की भुजाएं हैं, सीएमुख है, राम की हथेली है, सिंदूर के बोध कराए गए हैं, अतः यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी कि आपको ऐसा लगे ना कि उपमेय की सत्ता बिल्कुल समाप्त हो रही है, और वहां पर तो उपमान, उपमान उपमेय क्या होता है, ध्यान से समझना। एक उपमेय होता है, एक उपमान होता है। हम लोग ट्रिक्स में बता देता हूं, मैं ट्रिक्स में ध्यान रखना। उपमान होता है विशिष्ट वस्तु, क्या होता है, विशिष्ट वस्तु, और उपमेय क्या होती है, एक सामान्य वस्तु होती है, सामान्य वस्तु। जैसे कि मैंने कहा मुख चंद्रमा जैसा, अरे मुख तो किसी का भी हो सकता है, उसको चंद्रमा के समान बताया जा रहा है प्यारे बच्चों, तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब बाल है, बालों को सर्प के समान बताया गया, तो उपमान क्या हो गया, सर्प विशिष्ट वस्तु है, बाल तो सामान्य किसी के भी हो सकता है। आगे देखो, नई अरुणिमा जगी अनल में, नवलोज्ज्वलता जल में, नव्य नीलिमा नूतन हरियाली भूतल में। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ कृष्ण के आगमन से अग्नि में नई लालिमा, जल में नवीन उज्ज्वलता, आकाश में अपूर्व नीलिमा, भूतल में नूतन हरियाली का आना वर्णित है, पर वस्तुतः में इसमें नयापन तो आता नहीं। यहाँ अभेद रहने पर यहाँ नया शब्द से भेद दिखलाया गया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, यानी कि जब जब कृष्ण जी आएंगे तो थोड़ा सब कुछ थोड़ा नया हो जाएगा। भाई कृष्ण जी आ रहे रास्ते थे, अब थोड़ा है कि जल ही बदल जाएगा, नवीन जल आ जाएगा, है अग्नि में नई लालिमा आ जाएगी, है आकाश में एक अद्भुत तरह का नीलापन छा जाएगा, हरियाली नई हरियाली आ जाएगी, ऑटोमेटिक थोड़ी आएगा, नहीं आएगा ना। तो यहाँ पर क्या बताया गया, अतिरंजित वर्णन किया गया कि कृष्ण जी आ रहे हैं, नया जल हो गया, हरियाली छा गई, ठीक है, अग्नि में नई लालिमा आ गई, अपूर्व आकाश है, एक नई तरह से, एक नीला अलग तरह से, एक सुंदरता सौंदर्य नजर आ रहा है, नीला नीला आकाश अलग तरह का दिखाई दे रहा है, ऐसा थोड़ी होता है। तो यहाँ पे अतिरंजित होने के कारण यहाँ पर क्या है आपका, नेक्स्ट देखो, कैसे लिखे चित्तर को चितेरो, चकी जात लखी, दिन द्वेग बीते दूती और दोराई, आज भोर ओरई, पहर ओत ओरई है, दोपहर ओरई, रजनी होत ओरई। अब देखो यहाँ पे देखो, ओरई ओरई ओरई, तो एक बार पढ़ लो इसको। प्रस्तुत पद में नायिका की छवि कांति यानी चमक, भोर में कुछ और दिन में कुछ और दोपहर में कुछ और रात में कुछ और तथा तो 2 दिन बाद कुछ और हो जाते, यानी कहने का तात्पर्य क्या है, जो एक नायिका की सुंदरता का वर्णन किया गया कि नायिका की सुंदरता है, सुबह तो कुछ और थी, दोपहर में कुछ और है, अगले दिन कुछ और है, मतलब वो सुंदरता बढ़ती हुई जा रही है, ऐसा थोड़ी होता है भाई। उनकी दुति यानी चमक में इस प्रकार के सौंदर्य युक्त अनवरत परिवर्तन, अनवरत यानी लगातार परिवर्तन के कारण चित्रकार मुग्ध और चकित होकर देखता है, देखता ही रह जाता है और सोचता है कि जिस छवि का चित्रांगन वह करेगा, कुछ क्षण में ही नायिका की छवि उससे भिन्न हो जाएगी। स्पष्ट है कि नायिका की छवि का उपमान परिवर्तनशीलता के कारण से भिन्नता वर्णित है, अतः यहाँ पर भेदादि भेद काति अतिशयोक्ति, यानी कि ये जैसे रूप कातिशयोक्ति, भेदातिशयोक्ति, ये अतिशयोक्ति के अलंकार के भेद है, लेकिन आपसे वहां पूछा नहीं जाएगा, आप सीधा पूछेगा अतिशयोक्ति अलंकार, उसके भेद के बारे में बिल्कुल भी नहीं पूछे। तो ये आपको ध्यान रखना है, यानी कि अनवरत परिवर्तन कभी नहीं होता। सुंदर स्त्री होगी तो सुबह जैसी दिखेगी वैसे दोपहर में नहीं दिखेगी, वो शाम को ऐसी नहीं दिखेगी, फिर थोड़ा सुंदरता घटती हुई चली जाती है ना। अब जैसे आप तो नहा धो करके आते हैं, फिर क्रीम पाउडर लगा गए, तो वो क्रीम पाउडर थोड़ा ना हमेशा के लिए रहेगा, फिर तो इंसान एक बार लगा ले, चलने दो फिर साल भर तक, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं भाई। लेकिन यहाँ तो परिवर्तन दिखाया ही गया है, बड़ा चढ़ा कर बताया गया। और कुछ चितवनी कलनी और मृदु मुस्कानी, और कछु सुख देत है सके न बेन बखानी। अब देखो यहाँ पे, यहाँ चितवन मुस्कान आदि सब वही हैं जैसी प्राय सुंदरियों की हुआ करती हैं, परंतु और वाचक पद द्वारा उनकी भिन्नता बतलाई गई है। चितवन मुस्कान आदि की अलौकिकता कहकर कवि ने अतिशयता से काम निकाला है,
अतः यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। कहने का तात्पर्य क्या है कि मुस्कान जैसी होनी चाहिए वैसी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, बढ़ा चढ़ाकर मुस्कान को, बढ़ा चढ़ाकर उसकी शरीर की सुंदरता को बताया गया है, नायिका की सुंदरता को। हनुमान की पूंछ में लग गई, लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखो इसको तो पढ़ते समझ में आ गया, लेकिन इसको पढ़ना तब हमें समझ में नहीं आया, सीधी सी बात बता रहा हूं मैं। तो मैंने कहा ना, अलंकार को आप लोग कम से कम 5-7 बार नहीं पढ़ोगे तब तक समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना इन शब्दों। देखो जितने मैं उदाहरण समझा रहा हूं उन्हीं में से आपका उदाहरण एक मिल जाएगा, नहीं मिलेगा ना तो सीधा शब्द ऐसे आएगा ऐसा कि हनुमान की पूंछ में तो आग लगी नहीं, उससे पहले सारी लंका राख भी हो गई और सारे राक्षस भाग भी गए। ऐसा कभी हुआ है क्या, बिना पूंछ में आग लगे ही सब कुछ जल जाए? ऐसा तो कभी हुआ नहीं। हनुमान जी की पूंछ में आग लगना कारण तथा लंका का जल जल कार्य है, जलना, लंका का जलना कार्य है। नियम अनुसार कारण के पश्चात ही कार्य होना चाहिए, किंतु कारण के पहले ही कार्य के होने का कथन किए जाने से यह दोहा अतिशयोक्ति का उदाहरण हुआ। मैंने क्या कहा, पहले कारण होना चाहिए फिर कार्य होना चाहिए, लेकिन यहां तो कारण तो हुआ ही नहीं, उससे पहले कार्य हो गया। अरे पूंछ में तो आग लगी नहीं, उससे पहले तो कार्य, लंका ही जल गई, राक्षस निशाचर भाग गए, ऐसा कभी हुआ है क्या? नहीं, अतिशयोक्ति अलंकार। घड़ी अचानक नदी अपार, हल्दी गाठी घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, अब तब तक चेतक था उस पार। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, महाराणा प्रताप जैसे जा रहे तो आगे एक नदी आ गई, तो उसने उन्होंने सोचा महाराणा प्रताप जी ने कि अब ये घोड़े को नदी पार कैसे करवाया जाए, तो उन्होंने सोचा था, घूम करके देखा तो उससे पहले तो घोड़ा नदी पार था, सोचा उससे पहले। राणा जब तक यह सोचे कि घोड़ा कैसे नदी पार उतरे, तब तक तो चेतक उस पार कारण के पहले ही क्या हो गया, कार्य हो गया। वही बात था पहले भी कि पूंछ में आग लगी नहीं, कारण कार्य पहले हो गया, राणा ने सोचा ही था, सोचते ही उससे पहले तो चेतक नदी पार कर चुका था। तो इस प्रकार यहाँ पे क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार है। ग्राह्य घृत गंध मुख गणन ने पाई त्राही, पहले ही हरि आए के निज कर उदयो ताही। देखो प्रस्तुत में हाथी को जब ग्राह ने, मगरमच्छ ने पकड़ पकड़ा, तो अभी उसने मुख से बचाओ शब्द भी नहीं निकला था कि हरि यानी कि विष्णु जी पहले ही पहुंच गए और उन्होंने उसका यानी गज का उद्धार किया। यहाँ कारण बचाओ शब्द मुख से निकलने से पूर्व ही हरि का पहुंचना और उद्धार करना रूपी कार्य संपन्न हो गया, अतः यहाँ पे अतिशयोक्ति अलंकार है। यानी कि हाथी को पकड़ा ग्राह ने, उसने तो बोला नहीं बचाओ बचाओ, उससे पहले विष्णु जी आए, हरि आए, भगवान आए और उसको बचा डाला। प्रिय प्रदेश प्रयाण संग तजी विरहिणी प्राण। देखो यहाँ प्रियतम के प्रदेश गमन के साथ ही विरहिणी ने अपने प्राण त्याग दिए, यानी कि मतलब प्रदेश गमन के साथ ही, यानी प्रदेश पहुंचा भी नहीं है, विदेश पहुंचा भी नहीं, उससे पहले ही तो मतलब प्रदेश गमन, गमन यानी जाना, सॉरी हाँ प्रदेश गमन, गमन यानी जाना, यहाँ दिया पैदाशा गमन होता तो प्रदेश आगमन हो जाता, ठीक है, लेकिन प्रदेश गमन है, यानी वो गया भी नहीं, उससे पहले तो उन्होंने प्राण त्याग दिए, अतः यहाँ कारण और कार्य के एक साथ गठित होने कारण यहाँ अतिशयोक्ति। यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि पति तो जा रहा था, उस वेल पत्नी, उसके साथ ही पत्नी की मृत्यु हो गई, यानी कि वो तो पहुंचा भी नहीं था उससे पहले ही, यानी कि पति निकला और मृत्यु, मतलब दोनों कार्य और कारण दोनों एक साथ हो गए, इसलिए यहाँ पर क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार। इत सर सारंग पे चढ़तु चढ़ी सार चढ़ी राग तू रण रागो, उत अरि अंगना अंगते उतर तू सहत सुहागो। अब देखो जैसे धनुष पर बाण चढ़ा है नहीं, उससे पहले तो दुश्मनों की जो स्त्रियों के जो पति थे उनकी गर्दन उड़ चुकी थी, देखो कैसे इधर धनुष पर बाण चढ़ता और उधर शत्रुओं की स्त्रियों का सौभाग्य, सौभाग्य ने पति उतर जाता अर्थात नष्ट हो जाता। यहाँ कारण धनुष पर बाण पर चढ़ना और कार्य शत्रुओं की स्त्रियों के सौभाग्य का उतरना, दोनों का एक ही समय में होना वर्णित हुआ है, अतः यहाँ पे अतिशयोक्ति, यानी कि बाण चढ़ा उधर गर्दन उड़ा, तो इसलिए यहाँ पर बाना संते राव रे बाण विषम रघुनाथ, दस सिर सिर धर से छूटे धाव एक ही साथ। देखो इस छंद में राम के धनुष के विषम भान और 10 आनन वाले रावण के सभी 10 सिर धड़ से एक साथ विलग होने की बात कही गई है, अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार। यानी कहने का तात्पर्य क्या है, राम ने धनुष पर बाण चढ़ाया और रावण के 10 गर्दन जो मुख थे वो सबके सब धड़ से अलग हो गए। तो प्यारे बच्चों ये थे हमारे मानवीकरण अलंकार और एक अतिशयोक्ति अलंकार।
तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो प्यारे बच्चों इसको है ना एक दो बार रिपीट करना, क्योंकि अलंकार है ना ये नहीं है, व्याकरण नहीं है कि एक बार समझने से समझ में आ जाएगा सारा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है प्यारे बच्चों। तो इसको दो चार बार पढ़ना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, और कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखना कि हाँ से समझ में आ गया है। तो प्यारे बच्चों इस सेशन में अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।